अपने फर्स्ट नाइट के लिए हम यहीं पर सेट बनाएंगे। यहाँ सेट बनाने के लिए पहले हमारी शादी तय होनी चाहिए, और उससे भी पहले तुम्हें तुम्हारे डायलॉग्स याद करने होंगे। मास्टर ने तो छोड़ दिया, लेकिन मैडम नहीं छोड़ रही। समर भूमि को सरस भूमि समझा है क्या बेटा? सामान्य लोगों को समर भूमि सरस भूमि जैसे ही मगर आगे बोलो। मगर मेरे जैसे चक्रियों को वो चक्रिया नहीं क्षत्रिय है। मेरे जैसे क्षत्रियों को एक बार प्रवाह हुआ तो वो प्रवाह नहीं है, प्रहार है। डरती क्यों हो? पसीना क्यों निकल रहा है? आगे बढ़ो। मैं कौन हूँ? मुझ पे निशाना लगाओ और अपनी आंखों से मेरा वध कर दो। तुम सब गलत बोल रहे हो, तुम्हें तुम्हारे डायलॉग्स याद नहीं है। मैं सही कह रहा था डार्लिंग, तुम्हें मुझ पर इस तरह से शक नहीं करना चाहिए। बालक हूँ तो चिंता मत करो, बस आज्ञा दे दो। मिस्टर प्रियतमा, नाटक के डायलॉग्स प्रैक्टिस करने आए हो या फिर रोमांस करने आए हो यहाँ? हाँ प्रियतमा, तुमने बस एक किस दी तो पूरे एक पेज का डायलॉग बोलकर सबको चकित कर दिया था। अब ऐसे ही रोमांस करते करते डायलॉग मारते मारते रोमांस करते करते सब करोगे लेकिन नाटक नहीं करोगे, बदमाश कहीं के। वो एक सुपर आइडिया है, तुम्हारे पिताजी बिना कुछ कहे बिना शादी करवा देंगे। अरे पुराने जमाने का नाटक, ये शास्त्रीय संगीत, इतना बड़ा बड़ा डायलॉग इतना कौन याद रखेगा बताओ। हे, तुमने तो उस डायरी में इतने बड़े बड़े डायलॉग्स लिखे थे और इतने छोटे डायलॉग्स भी नहीं बोल पा रहे हो तुम। ये तो तुम्हें चुटकियों में बोल देने चाहिए। क्यों, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो राज? हेलो, कुछ तो बोलो। ओहो, तो आपको सिर्फ लिखना आता है, बोलना नहीं आता? ओके, आई एम सॉरी, बुरा लगा क्या? सॉरी, एक बात बोलू, मुझे तुम्हारे बोलने से अच्छा तुम्हारा लिखना अच्छा लगता है। सॉरी तो तुमसे मुझे कहना चाहिए। सॉरी क्यों? बहुत दिनों से एक बात दिल में छुपा कर रखी है, तुम्हें ये बात बताऊं या ना बताऊं यही तय नहीं कर पा रहा। पर छुपी हुई बातें ज्यादा दिनों तक दिल में नहीं रह पाती हैं साक्षी। वो डायरी मैंने नहीं लिखी है, जिसने लिखा है वो अब जिंदा नहीं है। उस दिन मैंने तुम्हें डायरी दी थी, उस दिन मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं था। अगर प्यार होता तो डायरी देकर तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। उस दिन तुम्हारे साथ सिर्फ कॉफी पीने की ही मेरी जिद थी। कॉफी कॉफी कहकर दिन रात मेरे पीछे पड़े रहे और मेरी फीलिंग्स के साथ धोखा किया। तसल्ली मिल गई ना तुम्हें मुझे अपने झूठे प्यार में फंसा के? तुमने मुझे हथियार में फंसाने के लिए क्या किया है, कॉफी पिलाने के लिए क्या किया है, तुम्हें ये बात पता है ना? एक लड़की अगर उसका प्रेमी उसे झूठ कहे तो क्या उसे माफ कर सकती है? लेकिन अगर वो प्यार ही झूठ हुआ तो? साक्षी, मेरी बात झूठ हो सकती है लेकिन मेरा प्यार झूठ नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शहर छोड़कर हम इस जंगल में वनवास काट रहे हैं, मेरे माँ बाप यहाँ आकर तुम्हारे पिता का सम्मान रख रहे हैं, हम सब नाटक कर रहे हैं तुम्हारे लिए ना साक्षी। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे लिए सिर्फ वो सिली डायरी इंपॉर्टेंट रह गई है। सिली? क्या कहा तुमने? सिली कहा? मेरे दिल को इतनी ठेस पहुंची है और तुम्हारे लिए ये सिली मैटर है? साक्षी वो प्यार में भरोसा जरूरी होता है, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन तुमने आज तक प्यार भरोसा त्याग के बारे में जो कुछ भी कहा सब झूठ है, तुमने मुझे धोखा दिया है। साक्षी बस, किसी दूसरे की डायरी को अपनी बताकर तुमने अपने आप को तो धोखा दिया ही है राज, और साथ ही मुझे भी धोखा दिया।
मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। साक्षी समझने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। साक्षी, साक्षी। I hate you. लक्ष्मी तरानी, तरानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर। इनका मानना है कि किसी भी बिजनेसमैन में रिश्तों की फीलिंग्स जरूर होनी चाहिए। एक इंसान अपने मिशन के बिना जी सकता है, लेकिन फीलिंग्स के बिना बिल्कुल नहीं जी सकता। ये लक्ष्मी तरानी की बड़ी बहन का बेटा है श्याम तरानी। बड़े बुजुर्गों की बनाई हुई कंपनी को उन्हीं के रूल्स के मुताबिक चलाने वाला आज्ञाकारी बेटा। अपने ससुर को पिता और अपने ऑफिस को माँ मानकर काम करने वाला ये लक्ष्मी तरानी का दामाद है विजय। कैरेक्टर के मामले में थोड़ा हिला डुला है, पर अपने ससुर या परिवार के बारे में किसी ने भी गलत बात की तो इसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। ब्रेकिंग न्यूज, कैदी के साथ कॉफी। नोटोरियस साइको के साथ प्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मी तरानी के बेटे की कॉफी हॉबी। तुम्हारी उम्र में मैं देश को सुधारने के लिए बंदूक हाथ में उठा लिया था, और तुम कॉफी का मग पकड़ के खड़े हो। ब्रदर, आपकी हॉबी थी देश को बदलना, और मेरी हॉबी है सिर्फ कॉफी पीने की। इसे आप मेरी हॉबी समझो या फिर मेरा पागलपन, ये आपके ऊपर है। सब लोग फिल्म स्टार्स के साथ या राजनीतिक लोगों के साथ कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो तुम इतना रिस्क लेकर मेरे पास क्यों आए? ब्रदर, आप ही नहीं, गांव में मेहनत करने वाले किसानों से लेकर देश चलाने वाला पीएम जो भी मुझे पसंद आए उसके साथ बैठकर एक कप कॉफी पीने के लिए डिसाइड हो गया तो हो गया। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के साथ मैं कॉफी पीना चाहूं और ना पी पाऊं। तुम्हें यह नहीं लगता कि ये सब टाइम वेस्ट है? ब्रदर, 80 साल की शॉर्ट लाइफ है, हम सब कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, हर एक लोगों का अपना लाइफस्टाइल है, हर एक का अपना एक्सपीरियंस है। ऐसे लोगों के साथ 10 मिनट कॉफी पीकर टाइम स्पेंड किया तो उसका किक ही अलग होता है बॉस। ये आश्चर्यजनक घटना समाज में आजकल वायरल होती जा रही है। आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम कैदी विद कॉफी। देखा देखा आप लोगों ने, राज के बर्थडे पर हम स्पेशल न्यूज बनाना चाहते थे, उसने हमें ब्रेकिंग न्यूज दिखा दिया। देखा तुमने कितना घटिया काम किया इसने। ये किसी हीरो या पॉलिटिशियन के साथ कॉफी पीता तो बात और होती, मगर ये इसने एक नोटोरियस क्रिमिनल के साथ कॉफी पीकर हमारी नाक कटवा दी। स्टूपिड कहिएगा। ऑलमोस्ट पिछले एक साल से सबके साथ पी चुका है और फॉरेन टूर पर भी जाता है। अरे ये कौन सा बड़ा मैटर है, तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो? उसके इस काम को गिनीज बुक में आना चाहिए। बिल्कुल सासुमा जी, गिनीज बुक में आना ही चाहिए। आप ग्रेटेस्ट मदर हो, इसीलिए पहले आपका आना चाहिए। देखो अगर वो चाहे ना तो मंत्री के साथ भी कॉफी पी सकता है। तुम चुप रहो। मगर नोटोरियस साइको के साथ कॉफी पीना आसान नहीं है, दिल में हिम्मत होनी चाहिए। गट्स की बात कर रही हूँ। सेल्फी ऑलरेडी फेसबुक पे अपलोड हो चुकी है, 23K लाइक्स। मेरी फोटोज पर भी इतने लाइक्स नहीं आते। इस तरह के सेल्फी पे कम से कम 50,000 लाइक्स आने चाहिए। सब लोग जरा चुप रहोगे, बी सीरियस। बच्चों को प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें बिगड़ने नहीं देना चाहिए। उनको दिया हुआ 2 साल का फ्रीडम एग्रीमेंट कैंसिल जी। अपनी फैमिली में नोटिस आई है। दादा जज अंकल को चौथी बार डांट रहे हैं। अरे नहीं, पांचवी बार डांट रहे हैं। कहाँ पर है वो, बुलाओ उसे। बुलाइए उसे। हाँ? राज, राज। हाय डैड, हाय मम्मी, जीजा भैया, भाभी दीदी, मेरा वीडियो व्हाट्सएप में वायरल होकर फेसबुक में शेयर हो रहा है। वही डिस्कशन अभी घर में चल रहा है जिससे सुनामी आया है। वो सुनामी शांत होने तक मैं घर नहीं आऊंगा। और सुनो माय डियर जीजा जी, लवली ब्रदर, मदर इंडिया, उस कैदी के साथ कॉफी पीने के लिए मेरी आप लोगों ने जितनी भी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, समझ में नहीं आता तू लाइफ में सीरियस कब होगा। शहर वाले जिस रास्ते से चलते हैं उनसे तेरा रास्ता अलग ही है। अरे तू हाई प्रोफाइल फैमिली से है और तू लो क्लास लड़कों से दोस्ती करता है। तेरे पास जो है तू उन लोगों से शेयर करता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। मैंने कहा पढ़ाई हो गई,
अब जरा ध्यान से कंपनी की जिम्मेदारी को संभालो। तो तूने जवाब दिया कि 2 साल मैं फ्री रहना चाहता हूँ। तू छोटा है, लाइफ में एंजॉय करने दो सोचकर मैंने भी परमिशन दे दी। लेकिन तू कर क्या रहा है? कैसे भी लोगों के साथ कॉफी पीकर सेल्फी ले रहा है और इधर उधर पूरे शहर में मारा मारा फिरता है। देख बेटा, कह देता हूँ, जैसे ही 2 साल खत्म होंगे उसके नेक्स्ट डे मेरे केबिन में आकर तुझे कंपनी की जिम्मेदारी को संभालना होगा। इट्स माय ऑर्डर। यस, आई गॉट इट डैड। पर 2 साल खत्म होने में अभी बहुत वक्त बाकी है, तब तक जस्ट बी कूल डैड। ओके कूल। ओके ओके। खूबसूरती मेरे नजरों के सामने आते ही मैं गुम हो जाता हूँ। हजारों तारों की चमक तुम्हारे आंखों में है, सोने की चूड़ियां तुम्हारे हाथों में है, सुबह की ठंडी हवा तेरे होठों में। तुम खास से भी खास हो। तेरे अंग अंग में दया करुणा भरी हुई है। मेरा हाथ थाम कर चलाओ मुझे। कैसे मिलाऊं मेरे कदमों को तुम्हारे कदमों के साथ, कैसे मिलाऊं। अपनी नजरों को तुम्हारी नजरों से कैसे मिलाऊं, तुम्हें पास से देखने के लिए कब मिलूं, मेरे दिल को तुम्हारे दिल में बसाकर अपना आधा हिस्सा बनाने के लिए। इस दुनिया में खाली हाथ आई हो तुम, बिना सपनों की परेशान होती थी। मेरे दिल की दीवारों से मेरी नजरें हट ही नहीं रही हैं, अपने सपनों की कहानी लिखता रह गया। मेरे होठों पर हंसी लाकर मेरी जिंदगी में रंग भरने लगा, जमीन को चीर कर मेरे उजड़े हुए जमीन पे पानी के लिए रास्ता बना दिया। भूखा ही मरने लगा, फूल बनकर सुगंध देने लगा। देखे वो सारे सपने, मेरा पूरा नहीं हो रहा। मेरे अंदर के प्यार को अब तक उठकर चलने की शक्ति नहीं मिली। जो जो बातें कहना चाहता हूँ वो मेरे दिल के एक कोने में छिपी हुई है। सब उसके सामने कह दूंगा या फिर ऐसे ही प्यार करता रहूं। सब उसके सामने कह दूं या फिर ऐसे ही प्यार करता रहूं। सब उसके सामने कह दूं या फिर ऐसे ही प्यार करते रहूं। तेरी मुस्कुराहट देखते हुए सारा दिन बिताना चाहता हूँ मैं। तुझे जिंदगी में लाकर अपना बनाना चाहता हूँ मैं। तुझे प्यार करते करते अपना सारा वक्त बिताना चाहता हूँ मैं। अपना वक्त बिताना चाहता हूँ मैं। बहुत ट्रेजेडी है, जिस लड़की के पीछे पड़ा है उसे पता ही नहीं है। अपने दिल की बात बताने के लिए यमराज ने उसे चांस ही नहीं दिया। बहुत फील हो रहा है बेटा। लड़की को देख के ही डेट फिक्स करने का ये जमाना है। ये डायरी लिखना, उसे फॉलो करना, डिस्गस्टिंग। रहने दे, फर्स्ट डे ग्रीटिंग, सेकंड डे डेटिंग, थर्ड डे सब कुछ, वीकेंड में प्यार खत्म। जैसे व्हाट्सएप पर डीपी स्टेटस चेंज करते हैं वैसे लवर्स चेंज करने वाले जमाने में ये लव स्टोरी सुनकर डिस्को में भरतनाट्यम सुनने जैसा लग रहा है। माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, वो डायरी वाली लड़की आजा करके बुला रही है। किस लिए? और किस लिए माँ? नहीं बेटा नहीं, तुम का अक्षर वाला कुछ भी मांग लो लेकिन कॉफी मत मांगना। डिस्को थिक में जाकर डांस करोगे? करो। बार में जाकर ड्रिंक्स लेकर डांस करोगे? करो। मगर तुम कॉफी बिल्कुल मत मांगना प्लीज बेटा। आंटी,
हाँ? नो इफेक्ट, ये बिरला प्लस सीमेंट और कंक्रीट के जैसा फिक्स हो चुका है, समझ गई? हे बजरंगबली, देखो ये बहुत ही पवित्र हनुमान जी का मंदिर है, तुम्हारी कॉफी की आदत खत्म हो जाए ऐसे तुम भगवान से मनोकामना करो। माँ, अंजनीय स्वामी के यहाँ आए हैं तो बंदर जैसी बुद्धि कम कर देंगे और आशीर्वाद देकर चिंपांजी वाली बुद्धि दे देंगे। मैं नहीं आता, तुम लोग जाओ। देवी माता, जगत माता, आपके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। 60 रुपए वाला चावल चढ़ाया, केला चढ़ाया, 30 रुपए का नारियल फोड़ा, आपके लिए बढ़िया वाला अगरबत्ती लाया, मगर आपने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं कुछ नहीं जानता, इस बार आपको मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करना ही होगा। आपके लिए स्पेशल धूप लाया हूँ, ये लो। छी, छी। मुझे बुलाया? आप भगवान हो क्या? एक्चुअली मेरा नाम हम साक्षी है, सब लोग मुझे साक्षी साक्षी कह के बुलाते हैं। आपने भी मुझे बुलाया ऐसा मुझे लगा। मैंने अक्षी करके नहीं बुलाया, वो भक्त ने धुनी डाली और मुझे अक्षी अक्षी। इस फेस कट को कहीं तो देखा है मैंने। अक्षी, हाँ ये वही है, अक्षी, अक्षी। ओहो, तुम ऐसे क्यों छींक रहे हो? रात को ठंडा पिया था क्या? सर्दी हो गई है? अरे दीदी, ये सर्दी वाली अक्षी नहीं, डायरी वाली साक्षी है। डायरी वाली साक्षी, क्या मतलब है तुम्हारा? वही माँ, एक्सीडेंट, लड़का, डायरी, बताया था ना मैंने। साक्षी, उसी लड़की को मैंने अभी यहाँ पर देखा है। बेटा, बहुत ही। एक्सक्यूज मी, शायद ये आपका गुलाब है, रख लीजिए। मेरा नहीं है। ए, ये कह रही है ना इसका नहीं है। एक मिनट, ये है वो। फिर ये गजरा आपका होगा, रख लो ना। ओके, ये पेपर स्प्रे जरूर आपका होगा। ए, मैं उसे दे रहा था, तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है, बताओ? ओ, बड़ा लॉजिक लगा रहे हो, और तू खड़े खड़े क्या देख रही है, लगा एक। 6 महीने से वो सिर्फ उसका पीछा क्यों कर रहा था, इस बात को मैं आज अच्छे से समझ गई। इस लड़की के साथ कॉफी पीना बहुत मुश्किल है। ऐसी लड़की के मामले में हमारा बैकबोन है मेरे जीजा। मैं स्वामी, लास्ट टाइम तुम्हें आइडिया दिया था तो घर में टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सब सॉल्ट पेपर से धुलाई करवाया हूँ। उस बार तो मैंने तुम्हें किसी तरह से बचा लिया था भाई, चुपचाप पैक पियो और निकल लो यहाँ से। अच्छा, तो इसका मतलब आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे? नो चांस। यस, मेरी हेल्प करनी पड़ेगी आपको, आपके ग्रेट फादर इन लॉ श्री लक्ष्मी तदानी जी की कसम। ससुर जी, जीजा जी, आपके सर के कंप्यूटर का पेन ड्राइव घुसाकर मास्टर प्लान बता दो जल्दी से। प्लान मैं नहीं, नीलांबरी बताएगी। मेरी बहन तो आपको श्री रामचंद्र समझती है। अबे ओ रावणासुर, मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर, नीलांबरी का मतलब कोई लड़की नहीं है, मेरे ब्रेन में रहने वाला मास्टर प्लान का ब्लूप्रिंट। नीलांबरी प्लीज। माय डियर राज, आप अभी कार से उतरकर बस स्टैंड के सामने एक तरफ खड़ा रहना, वहाँ साक्षी रोड क्रॉस करके आती है, तब विजय 120 की स्पीड से कार को चला कर लाता है। साक्षी रोड के बीच में आते ही कार भी उसके पास पहुँचती है। उसे ठोक देगा, साक्षी हॉस्पिटल जाएगी और विजय जेल जाएगा। आमाम यार राज, तू अनुमान बहुत लगाता है, बीच में टांग मत अड़ाना, मेरे मास्टर प्लान को झटका लगता है। पहले जो दिखा रहा हूँ उसे देखना। ठीक है। कार उसे ठोके उससे पहले राज साक्षी को बचा लेता है और फिर कॉफी पीने की डेट फिक्स हो जाती है। कैसा लगा? आहा, जीजा जी, इतना बढ़िया प्लान आपके दिमाग में कैसे आया? पर ये वर्कआउट हो पाएगा क्या? तेरी बहन के लिए यही वर्कआउट किया था मैंने, मेरा लव वर्कआउट हुआ तो तेरा भी वर्कआउट होगा। तो फिर मुझे आशीर्वाद दो। अब शुरू होता है तेरा गोल्डन मिनट, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, गो। जीजा, नीलांबरी, जीजा, जीजा, अरे कार स्टार्ट, टेंशन मत ले, जीजा, अरे सुनो।
क्या तुम भी गोल्डन मिनट बोलकर पूरा बर्बाद मिनट बना दिया। अरे राज, कार स्टार्ट थी मेरी लेकिन एक्सलेटर देने पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। बाद में देखा तो हैंड ब्रेक निकाला ही नहीं था। तेरे अरे राज, इतना परेशान क्यों होता है भाई? मेरे सिस्टम में अभी एक और नीलांबरी बचा है। अरे राज, इतनी सुंदर लड़कियां रहती हैं इस एरिया में, मैंने सोचा कि जवान लड़के भी यहाँ रहते होंगे, लेकिन यहाँ तो सब के सब बुड्ढे ही दिख रहे हैं। आपकी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अभी अंदर जाकर आपके दिए हुए आइडिया को यूज करके साक्षी के साथ कॉफी पीने का टाइम फिक्स करके आता हूँ। नो राज, वहाँ देखो, उसके दांत नहीं है फिर भी उसे बाहर बिठा रखा है। अब सोचो, यहाँ के लोग बुड्ढों पर भी तरस नहीं खाते, तो तुझे क्या लग रहा है कि तेरे जैसे नागराज को अरे आजा और राज करके स्वागत करने वाली है क्या? नो वे। तो अगर मैं ऊपर नहीं जाऊँगा तो फिर साक्षी को नीचे कैसे बुलाएंगे? नीलांबरी बताएगी। ओ राज, फिर से शुरू होता है तेरा गोल्डन मिनट्स। अरे अरे साक्षी, मैंने ही धुआं डाला है आपके लिए, आपके साथ कुछ बात करनी है, जरा नीचे आइए प्लीज। हाय, हेलो। ये क्या है, तुमने मिर्ची वाला धुआं क्यों डाला? दिमाग खराब हो गया है क्या? इसके पीछे दिमाग उसका बिल्कुल नहीं, मेरा है, तभी तो तुम बाहर आई हो। ए, मुझे पहचाना या नहीं? वो ही कल एक्सीडेंट, मेरी जान बचाकर पुण्य कमाया तुमने। अरे वो गाड़ी कल मुझे ठोक कर जाने वाली थी, तुमने अपने पवित्र हाथों से मेरी जान बचाई है। तुम तो मेरी होने वाली देवी हो। तुम? हाँ। कल तुमने जो किया वो ड्रामा था, मैंने इतना सुनाया पर तुम सुधरे नहीं। सुधर गया हूँ, इसे तो यहाँ आया हूँ। लड़कियाँ होती है मुसीबत में डालने के लिए, लड़कों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, ऐसा मैं सोचता था, लेकिन मुझे बचाकर आपने ये प्रूव कर दिया कि हर लड़की ऐसी नहीं होती। बहुत सही राज, बिल्कुल सही सेंटीमेंट पकड़ा है तूने। मुझे नई जिंदगी देने वाली जगत माता हो आप। आपको कॉफी डे वाले टेंपल में ले जाकर कॉफी दक्षिणा के रूप में देकर चरण अमृत समझकर दोनों कॉफी पी लेते हैं, प्रार्थना समझकर दोनों दो मिनट बात कर लेते हैं। चलिए। मैं तुम जैसे लोगों के साथ कॉफी पीने नहीं जाती, वैसे भी मैं कॉफी टी कुछ नहीं पीती। ओके, जस्ट गो। ए साक्षी, कॉफी ठंडी हो रही है, जल्दी आकर पी ले। लड़की होकर ऐसी पार्शियलिटी कर रही हो, गलत बात है ये। स्टूपिड कहीं का। ए राज, लड़की पैदा होने के बाद झूठ पैदा हुआ या फिर झूठ पैदा होने के बाद लड़की पैदा हुआ? बेकार का आइडिया पैदा होने के बाद आप पैदा हुए हो या पैदा होने के बाद बेकार का आइडिया पैदा हुआ है? ए साक्षी, मेरी हिस्ट्री तुम जानती नहीं हो। एक कप कॉफी पीने पिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहिए तो तुम इसे अपने मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर लो। ये गया था विंडो से लेकिन लौट कर आया है मेन डोर से, ये सुधरेगा नहीं, चल यहाँ से। शनि देव तो कंधे पर रहते हैं, ये कॉफी वाला तो मेरे सिर पर चढ़ गया है। अरे अरे, हम तो मछलियों का सर खाते हैं, आप जैसी लड़कियों का सर नहीं खाते, क्यों पूछो? क्या पका रहा है? क्योंकि आपके सर में कुछ होता ही नहीं, लड़कों के बारे में सोच सोच कर पूरा खराब हो गया होता है। देखो मिस्टर, बकवास मत करो, पहले अपना दिमाग ठीक करो। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, चल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा, बेवजह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लड़कियों का दिमाग खराब हुआ है और उसे रिपेयर करने वाला आज तक कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। देखो, हम तुमसे सीरियसली कह रहे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। चल ना यार। ये क्या, मैं बात उससे कर रहा हूँ, जवाब वो दे रही है। इतना सुनने के बाद भी पीछे आ रहा है, कितना बेशर्म है, वो नहीं सुधरेगा। देखो साक्षी, आप ऐसे ही सीरियसली रहती हैं क्या, आपको हंसना नहीं आता क्या? लाइफ में थोड़े हैप्पी मोमेंट्स होने चाहिए। देखो एक काम करो, मेरे साथ एक कप कॉफी पीने के लिए चलो, वो तुम्हारे लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट होगा। और ऐसा नहीं हुआ तो मुझे कहना। देखो, एक बार कह दिया ना तो बस, अब पैर पकड़ो या कुछ भी करो, मैं नहीं आऊंगी। हम भी वैसे ही हैं, कितनी भी मुसीबत आने दो, एक बार कॉफी पिलाने का डिसाइड कर लिया तो उसे कॉफी पिलाने तक नहीं छोड़ते। यही है मेरा धर्म, यही है मेरा उद्देश्य। हे भगवान, मैंने क्यों तुम्हें इस दिन बचाया, मर गए होते तो अच्छा होता। कितनी अच्छी बात कही, कितनी अच्छी बात। अगर भगवान शंकर कैलाश के लिए टिकट बुक किए हैं तो मैं हंसी खुशी मर जाऊंगा। ऐसा है तो फिर मर जाओ। देखो, गुस्से को अपने जुबान पर रखकर म्यूजिक सीखने जाओगी तो म्यूजिक नहीं आएगा, बुखार आएगा। तुम अगर मर गए तो लाश के सामने बैठकर गाना गाऊंगी। तो ठीक है फिर, मैं मरता हूँ, मेरे मरने के बाद मेरे मुंह में दो बूंद कॉफी का ड्रॉप डाल देना, मरता हूँ। माय नेम इज इनकाउंटर ढिचकियो। कोई भी इनकाउंटर ढिचकियों के साथ बात करते समय हंसेगा या चिढ़ाने की कोशिश करेगा तो मैं सबको ढिचको 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 करके मार दूंगा। हाँ। अरे सर, गवर्नमेंट की बुलेट वेस्ट हो जाएगी। कौन है तू? भगवान की दी हुई शरीर को एक्सपायरी डेट तक यूज करने के बदले यूजलेस फेलो के जैसा सुसाइड करने के लिए गया था। सर, बचाने वाली देवी नहीं, फिर से मरने के लिए कहा, अब मैं क्या करता, मुझे तो कर्ज चुकाना ही था। बस,
छोड़ो मत बॉस, छोड़ो मत। लड़कियां ना बंदूक की तरह होती है, बंदूक की तरह। बंदूक से एक बार निशाना चूक सकता है, लेकिन लड़कियों का निशाना कभी नहीं चूकता, कभी नहीं। मेरी बात का यकीन करो बॉस, इनको छोड़ना मत। ए, 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 ए। पहले मैं तुझे डिस्काउंट कर दूंगा। ऐसा आप करेंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। ये लड़का दिखने में तो अच्छा लगता है, फिर तुमने इसे सुसाइड करने के लिए क्यों बोला? सबसे पहले मैं तुम्हें ही डिस्काउंट कर दूंगा। आप मुझे क्यों डिस्काउंट करेंगे सर? अपोजिशन पार्टी वाले तो ये हैं। तुम तो मेरे साइड में थी ना, इसलिए मेरा दिमाग तुम पे गया। देखो, उसने तुम्हें कॉफी पीने के लिए बुलाया है, बियर पीने के लिए नहीं ना। हाँ? उसके साथ जाने में क्या बुराई थी तुमको? यह कैसी बातें कर रहे हैं सर? कोई भी रास्ते चलते वाला आदमी मुझे बुलाएगा तो मैं चली जाऊंगी। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तब भी क्या आप यही सब कहते? देखा बॉस, आपके नाम पे बिल फट गया ना। लड़कियां ना पानी की तरह होती है, सब कुछ डुबो देती है बॉस। हाँ, अगर आपने खुला छोड़ा तो आपको भी डुबो देंगे। जी करता है तुझको डिस्काउंट कर दूं। कौन है रे ये? पुलिस स्टेशन में डेंगू की तरह आया हुआ है। ए, इसको बोल चुपचाप रहेगा। ये बताओ, आखिर मैंने ऐसा क्या बोल दिया? और नहीं तो क्या सर, वो बुलाएगा तो मैं चली जाऊंगी। मेरा कोई रिश्तेदार है क्या? कौन है रे तू? उसके ससुर का बेटा है या सासू माँ का बेटा है या उसके यहाँ रेंट पे रहता है? बता बता बता, नहीं तो यही पे डिस्काउंट कर दूंगा। हाँ, बोल रहा हूँ। अप्पा जी। अप्पा जी बोला? प्रोसीड बेटा। मैं उनके ससुर का बेटा तो नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे लिए अतिथि हैं। अतिथि देव भव ऐसा बोलते हैं। अतिथि का सत्कार करना गलत है क्या? ए, ऐसे कोई अतिथि क्या रोज रोज परेशान करता है? कोई खास दिन हो तो अलग बात है, और वो भी हमें पसंद हो तब आते हैं, वरना नहीं आते। सही पकड़ी हो तुम। देखो बेटा, रोज रथ खींचना गलत है, मेले के टाइम पे खींचा तो सही है। अब मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ वैसा करो। तो क्यों नहीं तुम दिवाली में, गणेश चतुर्थी पे या फिर दही हांडी के समय उसे कॉफी के लिए बुलाओ, तो वो जरूर आएगी। सुनो बेटी, ऐसे टाइम पे कॉफी के लिए बुलाते चले जाना। साक्षी सुन, तू ओके बोल दे। अभी 2 महीने तक कोई त्योहार नहीं है, उसके बाद तो हम लोग यहाँ रहेंगे भी नहीं। मेरी बात मान ले, अभी के लिए ओके बोल दे। बोल बोल। ओके सर। त्योहार होगा तो बुलाने को कहिए, पर अगर किसी दूसरे रीजन से टॉर्चर किया तो? अब टॉर्चर किया तो टॉर्चर का मतलब मैं समझा दूंगा। तू समझ रहा है ना मेरी बात? अब तुम जाओ बेटी। ये धोखा है, ये अन्याय है। ये अन्याय नहीं, न्याय है। यही इनकाउंटर डिस्काउंट का न्याय है। जाओ। ठीक है अप्पा जी। चल निकल। अगर ये मामला कोर्ट में जाता तो कितना बड़ा होता, लेकिन मैंने इसे कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। न्याय बोले तो न्याय, इनकाउंटर डिस्काउंट ने जो बोल दिया वही न्याय है। कैसा न्याय है बॉस? अगर 2 कप कॉफी मंगा के पिला देते तो सारी प्रॉब्लम कब की सॉल्व हो जाती बॉस। सही कहा। ए साक्षी, आजा कॉफी पी ले। नहीं नहीं, कॉफी नहीं चाहिए। नहीं नहीं चाहिए मुझे कॉफी। साक्षी साक्षी, क्या हुआ तुझे? अरे तुझे कॉफी पीने के लिए बुला रही हूँ, जहर नहीं। मुझे तो सपने में भी कॉफी दिखाई दे रही है। हमने करने के लिए उसे जो टास्क दिया है उसे किए बिना वो घर में ही होगा। डोंट वरी, बी स्ट्रॉन्ग। आज का पौधा ही सुनिए, आज एनवायरनमेंट डे है। आज एक एक पेड़ लगाएंगे जिससे हमारे आसपास का वातावरण खूबसूरत होगा। सही बोला, हम यहाँ वहाँ पेड़ लगाकर वातावरण को बचाएंगे। सुनो भाई, ये लो रख लो, इसका क्या मतलब? यहाँ से ये पेड़ ले लो और अपने गार्डन में लगा दो, यही है इसका कॉन्सेप्ट। अच्छा, मुझे एप्पल बहुत पसंद है, एप्पल का पेड़ है तो दे दो, मैं लगा देता हूँ। आपको देखने से लगता है आपका शुगर लेवल ज्यादा है, आपकी तबीयत को देखकर बोल रहा हूँ, आप स्वास्थ्य के लिए नीम का पेड़ लेकर जाइए। क्या बात कर रहे हो? अरे साक्षी, आज का पौधा ही कल का पेड़ है। आज का पौधा ही। क्या नॉनसेंस है? ये कोई नॉनसेंस नहीं है, ये कॉमन सेंस है। टुडे इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सो व्हाट? सो व्हाट? तुमने ही कहा था कुछ स्पेशल डे होगा तो बुलाओ। आज बहुत 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 स्पेशल डे है। वैसे तो मुझे बहुत काम है, लेकिन मैं अपना टाइम तुम्हें डेडिकेट कर रहा हूँ। हम वैसे ही लेट हो गए, ऐसे ही कॉफी पीने चलोगी या चेंज करना चाहोगी? मुझे नहीं आना, मैं नहीं आऊंगी। भला ये ऐसे डे क्यों मनाएगी बेटा? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ किसिंग डे मनाती है। सही बात है, सही बात है। उस लड़की के मारने के बाद तुम ट्रैफिक के सिग्नल जैसे लाल हो गए हो। देखो बेटा, तुम चुपचाप यू टर्न ले लो, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा बेटा। उसने बिल्कुल सही किया है, इसने जिसे कॉफी पीने के लिए बुलाया, अगर एक थप्पड़ लगाया होता तो इसकी कॉफी पीने की आदत ही छूट जाती। सुन, अगर तू मजनू की तरह उसके आगे पीछे घूमता रहेगा ना तो कुछ भी वर्कआउट नहीं होगा। डार्लिंग, एक बात बताओ, यहाँ पर बेकार कौन है? जो बेकार के आइडियाज देते हैं वो होते हैं बेकार। हाँ। लेकिन फिलहाल तो आप ही मुझे बेकार दिख रहे हैं। तो मैं ही बेकार हूँ?
मुझसे प्यार करती थी तब तो मैं तुझे स्मार्ट दिखता था और आज मैं तुम्हें बेकार दिखने लगा हूँ। इतनी जल्दी बदल गई तो। और क्या कहना है विजय? सासू माँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? अगर तुम खुद ट्राई करते तो वो तुम्हारे साथ कॉफी पीने आ जाती। तुमने इनका आइडिया लिया, यही तुम्हारी गलती है। ये बताओ, पुतले को देखकर कौवा आकर बैठ सकता है, मोर आकर बैठेगा क्या? राज, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। राज, क्या? राज, अब तुम्हें कोई हेल्प करने वाला नहीं है, समझ गए? डोंट एक्सपेक्ट मी अगेन। दबाद के घर में कोई इज्जत नहीं है तो मैं यहाँ पे क्यों रहूँ? अभी ये घर छोड़कर जाता हूँ। अपने गांव जा रहे हैं? अपने रूम में जा रहा हूँ। मेरे जैसे दबाद की वैल्यू इन लोगों को क्या पता? भयंकर काटा है, ये जरूर लेडी मच्छर होगी। तुम लोग मुझे काटोगे तो मैं भी छोड़ने वाला नहीं। ये तो बिल्कुल जोंक की तरह चिपक गया है, पीछा ही नहीं छोड़ता। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया ना तो हमारे सर पर आकर बैठेगा। हाय रे किस्मत। अरे ए, तुम लाइफ को लेकर थोड़ा भी सीरियस नहीं हो क्या? जी लाइफ में सीरियस नहीं था तो प्यार में सीरियस होकर अपने दिल की बात कहने के लिए डर रहा था, इसलिए सारी बातें डायरी में लिख लेता हूँ। ये क्या है, अब कोई नया ड्रामा है? ड्रामा? मेरी कहानी तो ड्रामा की कहानी से भी बड़ी है। सुनने में तुम्हें थोड़ा बोर फील हो सकता है लेकिन बताना मेरा कर्तव्य है। एक लड़का एक लड़की के पीछे एक साल तक पागलों की तरह घूमता रहा। बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया, बात करना चाहता था लेकिन बात नहीं कर पाया, और उसने अपने प्यार को इन पन्नों पे उतार दिया। पैर में लगाने वाले नेल पॉलिश से लेकर सर में लगाने वाले तेल तक सब कुछ लिखा है। जब वो लवर बॉय बनकर हार गया तो कॉफी बॉय बनकर आपके लाइफ में एंट्री करने लगा। वो लड़का कौन है यही सोच रही हो ना? वो मैं ही हूं। ये डायरी पढ़ो, ये डायरी पढ़ो। मुझे भी एक चाहने वाला था, कोई मुझे भी पागलों जैसा प्यार करता था। ये डायरी पढ़ोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इसमें एक भी बात गलत रही तो मेरा प्यार भी झूठा और मेरी सारी बातें भी झूठी। चलता हूँ, फिर अपना चेहरा कभी तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। बस तुमसे एक आखिरी बात पूछता हूँ, तुम तो मुझसे वैसे भी प्यार नहीं करती। इतना प्यार करने वाले लड़के के लिए तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। अगर तुम्हें ऐसा गिल्ट फील हो रहा है तो तुम मेरे साथ एक कप कॉफी पी लो ना, मैं उसी याद में पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। तुम्हारे लिए मैं कॉफी डे में वेट करूंगा, प्लीज। कॉफी के लिए लड़की के प्यार के साथ खेलोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। और नहीं तो क्या जीजा, वो मेरे साथ एक कप कॉफी पीकर दो बात करती तो क्या उसकी इज्जत कम हो जाती? अब तुम देखना, मेरी दी हुई डायरी 200 बार पढ़ी होगी उसने और मुझसे प्यार करने के लिए तड़पती होगी। अब देखना वो मेरे साथ कॉफी पीने के लिए कितनी बेकरार रहेगी। अबे स्टूपिड, कप की कॉफी तो पी करके खत्म हो जाती है, लेकिन तूने जो किया है जिंदगी भर तेरा पीछा करेगा। उस लड़की से झूठ बोलकर धोखा दिया है तूने उसे, बेचारे उस लड़के की फीलिंग्स को हर्ट किया है तूने। वेरी बिग मिस्टेक, एक्सक्यूज लेस। क्यों जीजा, फीलिंग बोलकर आपको ओवर फीलिंग हो रही है क्या? लगता है आपको ज्यादा किक लग गई है। गुथे तो माला बने, जोड़कर गुथे तो श्रृंगार, और भगवान के सिर का मुकुट बन जाए। डेड बॉडी पर श्रद्धांजलि हो जाए, प्रपोज करने के लिए गुलाब हो जाए, खुशबू वाला फूल कान पर रख ले तो देवदास हो जाए। तू इसके आगे क्या टिकेगा मानव? बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब,
आया है। कल रात के 2 बजे तक किसके साथ चैटिंग कर रहे थे? छोड़ो मुझे, जाने दो। क्या हुआ मैडम, कॉफी अच्छी नहीं है? ये ठीक नहीं है। लव करने वाले लड़कों को लड़कियां अपने फ्रंट से ज्यादा बैक ही दिखाती हैं। रफी साहब का गाना सुना कि नहीं? उनके गाने सुनोगे तो लव में कभी फेल नहीं होगे, किक मिलता ही रहेगा। गाने एंजॉय करो। शुगर नहीं है भाई, जरा शुगर लेके आना। यस। अरे सर, गन्ने को सामने रखकर आप क्या शुगर शुगर मांग रहे हैं? अरे कॉफी ऊपर रहती है, शुगर नीचे रहता है, स्पून से बस उसे हिलाना होता है। समझते नहीं है सर, नए खिलाड़ी है। नमस्ते सर। हे, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जिसका इंतजार हम करते हैं अगर वो सही टाइम पर ना आए तो पेशेंस लूज हो जाता है और फिर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता सर, है सर। वो मैं सब कुछ जानता हूँ, कहने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, भगवान ने जब लड़की को बनाया तो उससे पूछा कि तुम्हें खेलने के लिए क्या चाहिए, तो पता है लड़की ने क्या कहा? कि मुझे बचपन में तो खिलौना चलेगा, लेकिन जब जवानी आएगी तो मुझे लड़के चाहिए। अरे लड़के तो टेडी बियर जैसे होते हैं, जब प्यार आ गया तो उनके गले लगकर उन्हें किस करती रहती हैं और गुस्सा आने पर छोड़कर चल देती हैं। लेकिन कुछ भी कहो, प्यार के मामले में लड़के बहुत सिंसियर होते हैं। अरे लड़कियां तो आते समय बोलकर नहीं आती और जाते समय भी नहीं बोलती, लेकिन वहीं पर लड़के आप ही की तरह सिंसियर लवर होते हैं। मानना पड़ेगा सिंसियर लवर हैं आप। अरे नहीं, लवर ओवर नहीं सर, जस्ट फ्रेंड। वो फ्रेंड अभी बहुत गुस्से में है, इसलिए अभी तक नहीं आई। आपको नहीं लगता लड़की कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही है? मतलब आपकी दोस्ती कच्ची है लेकिन प्यार पकने को आया है। बिना दर्द के ही बच्चे पैदा करना चाहती है, ऐसी जनरेशन है ये। अब इंतजार कौन करता है? अब ऐसे में आपके पेशेंस की तारीफ करनी पड़ेगी। इतनी सारी कॉफी पीने के बाद भी आप इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद रफी जी ने एक गाना गाया है, अगर किसी लड़की का दिल देखना है तो उसके प्रेमी के आँखों को देखो, दिल की बातें आंखों में साफ साफ दिखाई देंगी। आंखें एक तरह से आईने के जैसी है। बेटा तो कुछ ज्यादा ही डायलॉग मार गया, आंखों में कैसे दिखेगा? उसका फाइनल एग्जाम खत्म हो गया तो वो कल ही गांव चली गई। फिर कब आएगी वो? उसकी पढ़ाई खत्म हो गई है, वो क्यों यहाँ आएगी? अब वो नहीं आएगी। राज, कॉफी छोड़कर तुम काढ़ा पी रहे हो क्यों? तुम्हारे ऊपर प्यार का अटैक हुआ है मुझे पता है। अरे वही, मतलब तुम्हें कोल्ड हुआ है ना? कोल्ड की सही दवा है काढ़ा। छींक को रोको या लव को रोको, दोनों ही परिस्थितियों में हार्ट को ही प्रॉब्लम होती है। जीजा, कॉफी पीने की आदत है, लव करना बेकार है, उसमें फंस गया तो जान रहे या फिर ना रहे, लोग उसे लाश ही कहते हैं। तुम प्यार में हार कर मर चुके हो। आई मीन टू से यू आर इन डीप लव। या अब कहाँ है तुम्हारा हरि? क्या तुम्हें पता नहीं कि जिसे देखकर सारे लोक के निवासी डर जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है मेरे सामने खड़ा रहने की? ऐसे हिरण्यकश्यप के सामने खड़ा होने की और सामना करने की हिम्मत है तुम्हारे हरि में? बताओ मुझे। देखो मैं ही भगवान हूँ, मेरे सामने आज के बाद हरि का नाम नहीं लेना। अरे वाह भाई साहब, once more। तूने बताया नहीं कहाँ है तेरा हरी? पूज्य पिताश्री,
भगवान तो हर जगह रहते हैं। ये लो, हो गया ना, अब मेरा पीछा छोड़ दो। अरे साक्षी, मैं अभी कॉफी बॉय बनकर नहीं आया हूँ, लवर बॉय बनकर आया हूँ। What? I love you. अब ये क्या कर रहे हो तुम? Hey! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, लड़कों का टाइम खराब होता है तो प्यार होता है, प्यार नहीं मिलता है तो दिमाग खराब होता है। अब क्या करूं? मुझे लगा डायरी पढ़ने के बाद शायद तुम्हें कुछ फील होगा और तुम कॉफी पीने आओगी, लेकिन तुमने तो मुझे लटका दिया। लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं अपना दिल लेकर यहाँ आ गया। अब जीना है तो तुम्हारे साथ ही जीना है, ऐसा मैंने अपनी मदर इंडिया के सर पर हाथ रखकर कहा है। ये क्या नाटक कर रहे हो तुम? वहाँ पर वो जो ड्रामा कर रहे हैं ना, वो मेरी फैमिली के हैं। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। वो और अगर उन्हें हमारे सॉरी तुम्हारे बारे में पता चला ना, तो सच में नरसिम्हा बनकर तुम्हारी छाती चीरकर खून पी जाएंगे। हम प्रेमी लोग प्रेम भक्त प्रहलाद के खानदान के हैं। प्यार के लिए हम जहर पी भी जाते हैं और ऊपर से कूद कर भी नहीं मरते। हम जिसे प्यार करते हैं उसे पाकर ही रहते हैं। तुम जहर पियो या फिर ऊपर से कूद जाओ, पर यहाँ से बस चुपचाप चले जाओ। ना भूतो ना भविष्यतो, मैं यही कहूँगा। हमने आज तक ना ऐसा नाटक देखा और ना ही देख पाएंगे। सही कहा, मालिक के ड्रामे पे जवान लड़के लड़कियाँ तो ताली बजाते हैं और कॉलेज की सारी लड़कियाँ मालिक को लव लेटर लिख देती हैं। बस इस बार कोई लव लेटर नहीं आया। हेरा, चुपचाप खड़ा रहे। एक बात कहूँ, आजकल लोग पैसे को भगवान से भी बढ़के मानने लगे हैं। ऐसे में आप साल में 2 नाटक करवाते हैं, बिना पैसों की परवाह किए आप परंपरा को बचा रहे हैं, बहुत खुशी होती है। उस बड़े घर वाले को छोड़ दिया है मालिक। बड़े घर वाले से हमें क्या करना है, उसके बारे में बात नहीं करनी है बस। हे छोटे, देखिए भाई साहब, हम आपका काम श्रद्धा से करते आ रहे हैं, अब दूसरों के बारे में क्या बात करें। आज जो हासिल करता है वो समझदार है और जो खोता है वो बुद्धू। कहाँ है वो तेरा हरी? आसमान में है क्या वो? जमीन में है क्या? इस खम्बे में है क्या? उस खम्बे में है क्या? कौन से खम्बे में है? अरे बुद्धू, कैंडी क्रश खेलते समय ये खम्बे वाला भाषण क्या है तेरा? ये पान चबाने वाली बूढ़ी नहीं, कैंडी क्रश वाली बूढ़ी है। सर 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 सर, क्या एक्टिंग है सर आपकी, फिर से राजकुमार की याद आ गई सर। सर, आपके बारे में सुनकर आपका ड्रामा देखने के लिए मैं बेंगलुरु से आया, रात भर नींद खराब करके आपका ड्रामा देखकर आपका फैन बन गया हूँ सर। आपके साथ एक कप कॉफी पीने की ख्वाहिश है सर, प्लीज सर। तुमसे मिलकर खुशी हुई बेटा, तुम्हारे जैसे तारीफ करने वाले और चाहने वालों की वजह से ही हम जैसे कलाकारों की कला जीवित है। एक तो तुम बेंगलुरु से आए और ऊपर से रात भर ड्रामा देखकर तुमने अपनी नींद खराब की। जाकर नहा धो लो और थोड़ा आराम कर लो। ठीक है सर। फिर उसके बाद कॉफी क्या, खाना भी खाकर जाना बेटा। थैंक यू सर। ए हीरा। नमस्ते। नमस्ते माँ जी, नमस्ते। ये तो मेरे घर तक आ गया। ए हीरा, ये कैब कहाँ से लिया तूने? यहीं के बाजार से। वेरी नाइस। तुमसे एक बात पूछूं क्या हीरा? हाँ पूछो। जब लड़के को प्यार होता है तो लड़की की जिद बढ़ जाती है, लड़के को दर्द में देख लड़की खुश होती है, टॉय। ऐसा क्यों होता है बताओ? आपकी कोई बात मेरे दिमाग में नहीं घुस रही। अरे बाप रे, अरे ये कैसे हो गया? क्या हो गया? देखो ये कुआं है, हाँ। कुएं में पानी है, हाँ। पहले इस पानी से नहा लो, उसके बाद आराम कर लेना, तब तक मैं बाकी हाँ। काम कर लेता हूँ। इस कुएं में कैसे नहाऊं मैं? डिसाइड करके आए हो क्या कि मरना ही है? इस लड़के के शरीर में तुम जैसी लड़कियों का ही हक है, और इस शरीर को प्यार करने के लिए कुछ भी करने का अधिकार है तुम्हें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साक्षी। हाँ आई पिताजी। जी पिताजी। साक्षी, हीरा के साथ गाड़ी लेकर जाओ और हार फूल चढ़ाकर आ जाओ। ठीक है। अंकल अंकल, हर शुक्रवार को नहाने के बाद खाना खाने से पहले किसी भी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करना, ये मेरी एक तरह से आदत से बन गई है। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा, इसे आदत नहीं कहते हैं, मंदिर में जाना तो बहुत अच्छी बात है, तुम भी इनके साथ जाओ। थैंक यू अंकल। वैसे आप बड़ी अजीब सी बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुनो ना, कोई अच्छी सी बात बताओ मुझे। हीरा, मरने के लिए 100 रास्ते हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन प्यार करने का एक ही रास्ता है। ये शराब सिगरेट में इंजुरियस टू हेल्थ लिखते हैं, है। मगर लड़कियों के ऊपर नहीं लिखते, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन लड़कियों को क्या ऐसा करना चाहिए भाई? हाँ, आपका प्यार में दिमाग खराब हो चुका है क्या? यार मेरी माँ ने मुझे इंटेलिजेंट बनाने के लिए 20 साल लगा दिए, मगर एक लड़की ने मुझे 20 सेकंड में ही मेंटल बना दिया है।
अरे भाई आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता, सच कह रहा हूँ। चल अब नीचे उतर। अच्छा अच्छा उतरता हूँ। भाई पानी में अब जीप तो आगे नहीं जा पाएगी, लगता है तैर कर ही जाना होगा। फिर ये नहीं आएगी? अरे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं, वो बड़ी खतरनाक जगह है। उस खतरनाक जगह में किसी भी लड़की को जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। क्या? पर आप बहादुर लगते हैं, आप सब संभाल लेंगे। अबे हीरा, तू मंदिर ले जाएगा बोलकर भूत के पास लेकर जा रहा है, कोई पागल भूत की पूजा करता है क्या? पागल पागल, मेरे लिए तो प्रकृति और देवकन्या ही काफी है, तुम जाओ। अरे आप बड़े अजीब आदमी हैं, छोटे मालकिन ध्यान रखिएगा। अरे तू जा बाबा, अब इसकी देखभाल कैसे करनी है मुझे अच्छी तरीके से आता है। आज के जमाने में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। देखो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। देखो मिस साक्षी जी, लड़के को लड़की पसंद आने के लिए कैरेक्टर होना चाहिए और कल्चर होना चाहिए, तुम में दोनों है, ऐसे में कोई छोड़कर कैसे जा सकता है? नो चांस, जो होना है होने दो। जाता है अंधकार तो उसे मिटाने के लिए, खून की गर्मी निकालने के लिए लाशों पर चलकर काटते काटते बकरे को काट काट कर पांडवों ने खत्म किया अपनी दुश्मनी, दिखा दिया अपना शौर्य और आगे आया शूरवीर जिसके चमक से चौंधिया जाती है लोगों की आंखें, वो है युग पुरुष कर्ण। देखो प्रमाणिक प्रतिभा कर्ण, आप कौन है, कौन सी पार्टी से है, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ कुछ है क्या? बुरा आदमी, बुरा आदमी। देख छोटे, गांव में तो बुरे लोग भी होते हैं और अच्छे लोग भी। इसका बाप तो अच्छा आदमी है, मैं बुरा आदमी हूँ, बहुत बुरा। कच कच करके काट देता हूँ, पता है? तुम कच कच करके काटते हो और मैं कच करके एक बार में ही काट देता हूँ। काट देता है कर्ण, सामने आने वाले के टुकड़े टुकड़े कर देता है कर्ण। एक बार युद्ध भूमि में उतर गया तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। हे छोटे, ये मेरी है, पसंद आ गई मुझे। अच्छा तो ये मैटर है, अच्छा अब मेरी समझ में आया। अरे साक्षी, मुझे लगा मेरा कोई ओपोनेंट नहीं है, लेकिन अब देख रहा हूँ कि पार्टी लीडर ही मेरे सामने खड़ा हुआ है। Thank you.
छेड़ा तो बाप चुप रह सकता है, भाई चुप रह सकता है, पति चुप रह सकता है, लेकिन एक लवर चुप नहीं रहेगा। जान देने के लिए तैयार रहता है और जान लेने के लिए भी। उनके हाथ टूट जाए, जबान कट जाए, कितनी बेरहमी से मारा है इसे। इस छोटे ने मुझे 500 का स्टेज क्लियर करके दिया था। उससे अपने को क्या करना है? मेरी बात मानते तो ऐसा नहीं होता। सुनो, वो कौन सा अच्छा काम करता है? कैसी बात करते हैं, उसको जो भी लड़की वाले देखने आते हैं वो सबसे पहले आपके पास आते हैं, फिर आप ही बोलने लगते हैं कि वो अच्छा नहीं है, उसका खानदान अच्छा नहीं है, ये सब कहने की आपको क्या जरूरत है? देखो, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, अपनों को छोड़कर दूसरे के पास जाती है, वहाँ उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने पूरी जानकारी नहीं दी तो कल लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। एक लड़की जब दूसरे परिवार में आकर उसे अपना बनाती है तो उस परिवार वालों को भी उसकी भावना को समझते हुए उसके साथ ठीक व्यवहार करना चाहिए। अंकल, आप मेरे साथ एक कप कॉफी पी लेते तो मैं बेंगलुरु चला जाता वापस। अरे बेटा, ऐसी हालत में हम तुम्हें कैसे भेज सकते हैं? देखो बेटा, एक दो हफ्ते तुम यहीं पर रुको, जब ठीक हो जाना तो चले जाना, ठीक है? ठीक है अंकल। हे भगवान, लड़कियों को जिद दिया, जिद में रहने वाली लड़की के पीछे पढ़ने वाले लड़के को बुद्धि दिया, उन लड़कों को ब्यूटी दिया, हम लोगों को ड्यूटी दिया, और फिर औरतों के लिए लड़ाई तो आदि काल से चला आ रहा है, तो फिर मैंने अगर लड़ाई की तो क्या गलत हुआ? अरे तुम यहाँ कब आई? कोल्ड कोल्ड वेदर में हॉट हॉट लड़की, इतनी रात को एक लड़के के कमरे में आई हो तो वॉर के लिए या फिर प्यार के लिए होगा? ये प्यार व्यार मेरे नसीब में नहीं लिखा है। वो अलेक्जेंडर दुनिया को जीत कर इंडिया में आकर हार गया, मैं भी सबसे जीत गया पर तुम्हें नहीं जीत पा रहा हूँ। मैं तुमसे हार गई हूँ। हार गई हो? जैसे पागलों को शॉक ट्रीटमेंट देते हैं वैसे एक लड़की का ये कहना लड़के के लिए शॉक ट्रीटमेंट है। दिल में जगे हुए प्यार को छिपा कर मैं हार गई, तुमसे प्यार नहीं करती हूँ ऐसी एक्टिंग करके हार गई, तुमसे दूर होते होते हार गई, तुम्हारे लिए हर पल हार दी आई हूँ मैं। उस दिन फर्स्ट टाइम तुम्हें मंदिर में देखा था, उसी वक्त तुम्हें पसंद करने लगी थी, तुम्हारे छींकने से मुझे ऐसा लगा कि तुमने मेरा नाम कहकर पुकारा, उस दिन तुम्हारा हाथ पकड़कर खींचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। एक लड़की एक लड़के की तरफ मुड़कर देखती है तो उसका एक ही मतलब होता है, जब बार बार देखती है तो उसके हजारों मतलब होते हैं। तुम रोज रोज मेरे पीछे कॉफी कॉफी कहकर पीछे पड़े थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं ये किस्सा कभी खत्म नहीं होने देना चाहती थी। ये प्यार कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ पता ही नहीं चला, और अपना दिल खो बैठी। अगर एक लड़की एक लड़के के लिए इतनी बार हारती है तो इसका मतलब होता है कि उसके मन में उस लड़के के लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं। पर मेरे प्यार से तुम्हारा प्यार हजार गुना ज्यादा है, ये मुझे तब पता चला जब तुमने मुझे वो डायरी दी। तुम्हारे इस प्यार को रोकने की ताकत मुझ में नहीं थी राज, इसलिए मैं तुमसे दूर चली। साक्षी, इतना प्यार अपने अंदर छुपाकर कैसे रख सकती हो तुम? प्लीज राज, बस एक कॉफी पीकर ये बात खत्म हो जाती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई पता है? तुम तो सारी बातें अच्छी तरह से जानती हो। आजकल गाँव की लड़कियों को शहर की हवा लग गई है और गाँव की रीति रिवाज वो भूलती जा रही है। मुझे इस बात का डर है कि आने वाले दिनों में हमारे गाँव एक वृद्धा आश्रम बनकर ना रह जाए, और अब तुम भी उसी रास्ते पर जाना चाहती हो। गाँव में रहकर तुमने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब तुम शहर जाकर आगे पढ़ना चाहती हो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा बेटा, लेकिन ये शहर जो जरूरत की चीज है वो नहीं देता है, जिसकी जरूरत नहीं है वो देता है। मगर तुम तो मेरी बेटी हो, बुरे लोगों के बीच रहकर भी तुम अच्छी बातें सीखोगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हारी पढ़ाई इस गाँव में एक नया सवेरा लेकर आएगी। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। मेरे लिए मेरे प्यार से ज्यादा पिताजी का भरोसा बड़ा है। प्यार को भरोसा बढ़ाना चाहिए, ना कि बिगाड़ना चाहिए। अब कॉफी के बहाने दूसरों की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हो ना तुम, पर मेरी फीलिंग्स तुम नहीं समझ पाओगे राज। इस जमाने में पैदा करने वाले की इज्जत को बचाकर भरोसा को बचाने वाले कितने लोग होते हैं, मगर मेरे खून ने एक बार कहने से अपने प्यार की बलि दे दी। मेरी बेटी ने मेरे भरोसे का मान रखा है,
मैं उसके प्यार की इज्जत करता हूँ, इसीलिए तुमसे बात करना चाहता हूँ। जब दो दिल मिल जाते हैं तो प्यार हो जाता है। प्यार कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही प्यार करना कोई बुरी बात है, लेकिन प्यार को अंजाम तक पहुँचाने की क्षमता होनी चाहिए। मुझे है सर, मैं किसी भी तरह के रिस्क को फेस करने के लिए तैयार हूँ। लड़का जब लड़की के गले में मंगलसूत्र डालता है तो दो दिलों का मेल हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ उनका ही मेल नहीं होता बल्कि दो खानदानों का भी मेल होता है। दो खानदान एक हो जाते हैं, इसीलिए दोनों परिवार के बीच एकता होनी चाहिए, तभी तो एक परिवार से गई हुई लड़की दूसरे परिवार में चैन से जी पाएगी। सर हमारी फैमिली भी आपकी जैसी। सुनो बेटा, हम लोग गांव वाले हैं, तुम लोग शहर वाले हो। सबसे बड़ी बात कि तुम लोग अमीर हो। शहर वालों से रिश्ता जोड़ने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है बेटा। देखो गांव में पति पत्नी सुबह लड़ाई करते हैं और शाम को एक हो जाते हैं। प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो हमारे जैसे लोग समझा देते हैं और वो दोनों पति पत्नी समझ भी जाते हैं, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। आज पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ तो दूसरे ही दिन वो दोनों कोर्ट में जाते हैं और तलाक भी ले लेते हैं। ये सब कुछ जानने के बाद बेटा मैं शहर वाले के साथ कैसे रिश्ता जोड़ सकता हूँ? सर आपका मतलब है कि शहर में सिर्फ बुरे लोग रहते हैं, अच्छे लोग नहीं रहते? गांव में भी सिर्फ अच्छे लोग नहीं रहते, उसमें बुरे लोग भी रहते हैं, तो पूरे गांव को अच्छा बोलोगे क्या? सर कई लोग अच्छे हैं तो उसमें हमारी फैमिली भी है सर, वो बहुत अच्छे लोग हैं। बात सिर्फ तुम्हारी सर, नहीं सर, बात किसी की भी होने दीजिए, वही सच है। तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है वो तुम्हारे घर वालों से मिलने के बाद ही पता चलेगा बेटा। ठीक कहा सर, शादी के लिए लड़के की फैमिली इम्पोर्टेंट होती है, वो फैमिली कैसी है ये देख कर ही आप अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। सर अगर मेरी फैमिली आपको पसंद आई तो क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएंगे? घर देखकर लड़की की शादी करो ये तो कहावत है, मगर घर वालों का दिल देखकर शादी करो ये मेरा नियम है बेटा। अगले हफ्ते इस गांव में त्योहार है, अपने घर वालों को बुला लो, वो पसंद आए तो आगे बात करेंगे, नहीं तो तुम त्योहार मनाकर उनके साथ चले जाना। अगर आप अभी रेडी होकर नहीं गए तो मेरा लव फेल होगा, उस लड़की के बाप को गुस्सा आएगा, मेरी शादी कैंसिल होगी और मेरे लाइफ को कैंसर होगा। मैं खाना पीना छोड़कर, क्वार्टर पीकर, बिना नहाकर, दाढ़ी बढ़ाकर, भिखारी के जैसे देवदास बनकर रास्तों पे घूमूंगा, सड़कों को ही अपना घर बना दूंगा और अनाथ बन जाऊंगा। ये देख कर लोग कहेंगे कि द ग्रेट बिजनेसमैन लक्ष्मी ठडानी के बेटे को देखो, उसके बाप ने उसकी क्या हालत कर दी है। लोग आपके बारे में 10 तरह की अलग अलग बातें बनाएंगे डैड। ये बातें आपके कानों में आएंगी तो जिंदगी भर रोते रहेंगे, इसलिए जरूरी ये है कि आप अपनी चुप्पी तोड़ और गांव जाएं, नहीं तो मैं बाहर जाऊंगा। शहर की लड़की ढूंढूंगा और उससे शादी करवाऊंगा। पिताजी आपका दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बोला? अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। ठीक है, उनके पिता से बात करनी होगी। पिताजी ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, स्वेटर पर स्वेटर पहनने के बाद भी ठंड कम नहीं हो रही है। ये क्या कर रहे हैं आप? आनो, आ जाओ प्लीज, प्लीज एक बार। मच्छर काट रहा है, आ जाओ ना इधर। सब लोग यहीं पर हैं। मच्छर काट रहा है, आ जाओ ना। जी जा। तुम्हें क्या चाहिए? मच्छर आप अकेले को नहीं, हमें भी काट रहा है। ओहो, मुझे इतने मच्छर काट रहे हैं, इनसे बचने के लिए कहाँ जाऊँ कुछ नहीं लगता समझ रहा। कुछ करना पड़ेगा। ए हीरा, हाँ मालिक। ये क्या कर दिया तूने? अरे मालिक मच्छर थे इसलिए किया। पागल है क्या? बता के करना चाहिए था ना। अरे मालिक मच्छर को मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं धुआं करने वाला हूँ। हे हीरा, ये क्या किया तूने? जरा भी अकल नहीं है। माफ कीजिए, डरने की बात नहीं है, वो क्या है कि गांव में मच्छर ज्यादा होते हैं, उन्हें भगाने के लिए हम लोग ऐसे ही धुआं छोड़ते हैं। कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं। जाओ तुम लोग सब जाओ। अच्छा ये बताइए,
आप लोगों को हमारे घर का खाना तो ठीक लगा ना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, सब ठीक है, सब बढ़िया है, है ना डैडी, है ना मम्मी? अच्छी बात है। कल हमारे गांव में त्योहार है, पालकी की पूजा करना हमारे घर की परंपरा है। उस मेले में पालकी को उठाए तो कुछ न कुछ अच्छा होता है, ऐसा हमारे गांव वालों का मानना है। वेरी फाइन। और मैं चाहता हूं कि इस बार पालकी को आप उठाएं। अरे, अरे पालकी तो क्या, लेकिन कुछ भी दो हम सब उठा लेंगे, बस रिश्ता मंजूर होना चाहिए, है ना डैड? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। ए, क्या बकवास कर रहा था तू, क्या कह रहा था? अरे कैसा लड़का है ये? ये क्या फ्लास्क भर के कॉफी लेके आई हो? प्यार होता है तो हार्ट एक्सचेंज होता है, तुमने तो कॉफी पीने की हैबिट एक्सचेंज कर ली है। अरे मेरे बुद्धू, अगर तुम मेरे हो जाओगे तो तुम्हारे सुख दुख, तुम्हारी अच्छाई बुराई सब हमारे बीच एक्सचेंज हो जाएंगे। पहले तुमने मुझे कॉफी कॉफी करके बहुत परेशान किया ना, अब तुम देखो तुम्हें सोच समेत कैसे लौटाती हूँ। फ्लास्क भर की कॉफी है, दिल में ढेर सारी बातें हैं, ब्यूटीफुल लोकेशन है और हम दोनों साथ हैं, और क्या चाहिए ना? क्या बात है, बहुत एक्साइटमेंट में दिख रही हो, कहीं अभी कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या बकवास है राज, ये प्यार अभी अभी शुरू नहीं हुआ, ये तो बहुत पहले से था। हाँ पहले की बात अलग थी, लेकिन अब मान लिया ना कि तुम मेरे हो। सच कहती हूँ राज, तुम जैसा प्यार करने वाला लड़का, हमारे प्यार की इज्जत करने वाले तुम्हारे माता पिता और इतना बड़ा परिवार, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे मिलेगा। I'm really lucky. Really lucky. हमारी हंसा को बड़ा रिश्ता मिला है तड़ानी के घर से। ये कैसी साड़ी है, लड़के वाले ये साड़ी देने के लिए लाए हैं या फिर किसी भिखारी को दान देने के लिए लाए हैं? कलर तो देखो कितना डल है, कलर टीवी में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर जैसा लग रहा है ये। अरे चश्मा पहन कर देख, सब कुछ कलरफुल दिखाई देगा। अरे कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है। अरे सामने तो दिख रहा है, चश्मा पहनने की क्या जरूरत है, सब बेकार है। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, देखो तो ये कपड़ा कैसा है, बिल्कुल हल्का है। शादी ब्याह में ऐसे कपड़े दिए जाते हैं क्या? थोड़ा अपनी इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए। ए तू क्या कह रही है, तुझे जो भी साड़ी पसंद आए तू ले ले। मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए, ये साड़ी पहन के मैं शादी में आऊंगी क्या? इसे तो मैं काम वाली को दे दूंगी। अरे क्या कर रही हैं आप? ये हीरा, ये साड़ी अपनी बीवी को दे देना, उसे चूल्हे के पास बैठने के समय काम आएगा। आ, 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 मेरी बीवी ऐसी साड़ियाँ तो कभी भी नहीं पहनती है, उसे सिर्फ महंगी वाली कांजीवरम साड़ी चाहिए होती है। हीरा तू जरा चुप नहीं रह सकता? बुआ जी आप भला आज के जमाने के बारे में जानते ही कितना है, अगर उन लोग ने सुन लिया तो बुरा मानेंगे। बुरा क्यों मानेंगे, इसने सच्ची तो कहा है। कुछ भी हो तू तो अपने ससुराल वालों का ही पक्ष लेगी, अब बस कीजिए। अरे रे रे रे, शुरू हो गई तुम लोगों की कचकच कचकच। जब मुर्गा बांग देता है तो पता चल जाता है कि सुबह हो गई। वैसे ही तुम लोग बिना कचकच किए फैसला कर लोगे कि साड़ी कैसी है तो परले आ जाएगी। ठीक है जो करना है जल्दी करो। मैं बहुत खुश हूँ, आखिर अपने राज की एंगेजमेंट का दिन आ ही गया है, बस अब शादी होने की देर है, और शादी के बाद ये लड़का भी हमारे परिवार का एक हिस्सा हो जाएगा। हाय शरबत। अरे थैंक्स हीरा। मेरे ससुर जी कहाँ हैं? ओहो, हम सभी के लिए कपड़े लाए लेकिन हीरा के लिए लाना तो भूल ही गए। इसीलिए फुल फीलिंग में आइए। हीरा तू बुरा मत मानना। काम कर, तुझे मैं एक लेडीज टाइट जीन्स टी शर्ट दिलवा देता हूँ, उसे पहन ले ठीक है? उसे पहन के गांव चला जा, सीधा हीरो बन जाएगा, सच कह रहा हूँ। नहीं, आपके लाए हुए कपड़ों को कोई भी अच्छा नहीं बोलता है। वो कपड़े अच्छे नहीं है इसीलिए आप मेरी बीवी को पहनने के लिए दे रहे हो। आपके दिए हुए कपड़ों की मुझे और मेरी बीवी को जरा भी जरूरत नहीं है। बड़े आए कपड़े देने वाले। ये क्या है हंसा, हमारे लाए हुए कपड़े आपके घर में किसी को पसंद नहीं आए क्या? ऐसा कुछ नहीं अंकल, बस कलर थोड़े ब्राइट होते तो और अच्छा होता, यही बातें कर रहे थे। मैंने पहले ही कहा था इन लोगों ने ब्रांड की शक्ल भी नहीं देखी होगी। अरे इनके लिए तो फुटपाथ पर बिकने वाला कपड़ा ही सही रहता है। अरे जिन्हें कपड़े की वैल्यू नहीं वो हमारी वैल्यू क्या करेंगे? विजय एक छोटी सी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो तुम? ससुर जी अगर उन्हें कपड़े पसंद नहीं है तो सीधे हमें बोल देते ना, नौकर से बुलवाने का क्या फायदा? जीजा अगर हम चुप रहे तो जिंदगी भर चुप रहना पड़ेगा। देखो तुम कुछ भी कहो लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है, चल जा। हमारी फैमिली को क्या समझ रखा है इन्होंने,
विजय वो थोड़ा बेवकूफ किस्म का है, गलती से बोल दिया होगा ऐसा, माफ कर दीजिए उसको। हाथ हटाइए, क्या बेकार की बात है, अपने नौकर के जरिए आपने अपनी बात हम तक पहुंचाई है। अरे हम ऐसा क्यों करेंगे, क्या ड्रामा करते हैं आप, बिना आपकी जानकारी के आपका नौकर हमारे पास आकर के आपके कपड़े ऐसे हैं वैसे बोलेगा क्या? सुनिए, हमारे लाए हुए कपड़े एंगेजमेंट में नहीं चाहिए, ड्रामा में नहीं चाहिए, बोले होते तो हम लेकर ही नहीं आते ना। एक नौकर के आते बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? अरे नाटक नौटंकी वाले हो तुम लोग, और क्या उम्मीद कर सकते हैं तुमसे? देखो कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच तो लो, अगर हमारी ड्रामा और परंपरा के बारे में कुछ भी बोलोगे तो सही नहीं होगा, समझ गए ना? नाटक वाले को नाटक नहीं कहूंगा तो क्या डॉक्टर कहूंगा क्या? देखिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप ज्यादा मत बोलिए। क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? छोटे। उन लोगों के लाए हुए कपड़े को पैक करो और हमारे लाए हुए कपड़ों को पैक करके मंदिर में ले जाकर रख दो। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हमें कुछ नहीं कहेगा। भाई साहब इन्हें माफ कर दीजिए, बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई। अगर आप हमारे बारे में कुछ कहते तो हमें इतना दुख नहीं होता, पर आपने अपमान किया है हमारे वंश के परंपरा से आए हुए हमारे कला का। नाटक हमारे परिवार के लिए रतन ज्योति के जैसा है, उसे जला कर रखना ये हमारी रीति रिवाज है, मगर आपने उसे अपनी धन दौलत के नीचे दबा दिया, ये ठीक नहीं है। सर कोई अनजाने में गलती हो गई तो आई एम सॉरी। भागने से पहले अगर पैर टूट जाए तो क्या आप भाग सकते हैं? आग में गिरे तो बदन जलेगा, मुंह से निकली हुई कड़वी बात से मुंह खराब होगा। आप लोग इतने दिनों से मिलजुल कर हमारे साथ रह रहे थे तो मुझे लगा कि आपने हमें समझ लिया और हमारे परिवार को मंजूर कर लिया। हम तो रंग लगाकर ड्रामा करते हैं, लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि बिना रंग लगाए भी ड्रामा किया जा सकता है। एक छोटी सी बात को लेकर आपने कह दिया कि आप नाटक करने वाले खानदान से हो, यदि कल के दिन हमारी बेटी पर आपके घर में जाने के बाद कुछ मुसीबत आ गई तो ये नाटक में काम करने वाले की घर की है, इसीलिए ये नाटक कर रही है, ऐसी बातें ये सह पाएगी? जानते हैं मेरी बेटी चाहती थी इसीलिए मैंने आपको बुलाया, लेकिन ये बात अब यही खत्म होती है। भाई साहब हमारी गलती की वजह से इन दो प्यार करने वालों को अलग करना ये कहाँ का इंसाफ है, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मैंने पहले ही आपके बेटे से कहा था, प्यार तो तुम दोनों की बात है लेकिन शादी दो खानदानों का मेल है, दो खानदानों की बात है। मैं पहले से जानता था शहर वालों को जल्दबाजी होती है और उसी जल्दबाजी का नतीजा है कि आप लोग गाँव की क्या परंपरा होती है उसे भूल गए। नाटक बहुत बड़ा कला है, उसके बारे में बात करने के लिए योग्यता होनी चाहिए, जुबान से निकली हुई एक छोटी सी गलत बात भी हम जैसे कलाकारों को बहुत दर्द देती है। अरे क्या है ये सब, अपनी गलती मानकर आप लोग माफी मांग रहे हैं? वही नाटक कला ड्रामा परंपरा की बातें कर रहे हैं आप? अगर हम शहर से आए हैं तो क्या हुआ, क्या हमें कला परंपरा के बारे में पता नहीं है? जल्दबाजी में मुंह से कुछ निकल गया तो हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? हमें भी पता है सर, इंसान अगर चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है उसके लिए, हमने भी स्कूल में बहुत नाटक कर रखे हैं सर। जीजा चार दिन प्रैक्टिस करके हम भी नाटक कर सकते हैं सर। करके दिखाओ। अरे चार दिन क्या, तुम 15 दिन ले लो, आने वाले दीपावली में हमारे गांव में मेला है, हम लोग तो ड्रामा वाले हैं ही, तुम लोग भी कुछ करके दिखाओ, अगर गांव वालों को पसंद आ गया तो उन्हीं लोगों के सामने तुम्हारे बेटे की शादी मैं अपनी बेटी के साथ कर दूंगा। भाई सब कुछ इनके भरोसे छोड़ देंगे तो गांव में हमारी इज्जत का क्या होगा, सोचा है? इन्हें कुछ पता भी है नाटक के बारे में? नाटक के बारे में गलत बात किए हैं तो करके दिखाने दो, तब पता चलेगा कि उसका वैल्यू क्या है। अब चलो यहां से। बातें बातों से रिश्ता जुड़ता है सुना था, लेकिन आपकी बातों की वजह से ये शादी टूट गई। कपड़ों का अगर अपमान हुआ है तो कपड़ों की ही बात होनी चाहिए थी, आपकी जुबान तो कुछ ज्यादा ही चल गई। आपको बोलने का हक दिया किसने? और नाटक करना बाकी है? अब किसी को नाटक करने की जरूरत नहीं, मेरी खुशी के लिए आप लोगों ने यहाँ आकर बहुत कष्ट उठाया, फिर से ये नाटक करके और कष्ट मत उठाइए। साक्षी हम दोनों का मिलना शायद हमारी तकदीर में नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर इतना प्यार है तो हमारे साथ चलो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आपके पिताजी तो क्या पूरे गांव से हम सामना करने को तैयार हैं। नाटक पूरे शहर को दिखा सकते हो लेकिन उन लोगों के सामने एक नाटक नहीं कर सकते। डैड अगर किसी को तुम दिल से चाहते हो तो उसे समझना आना चाहिए तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उससे दूर नहीं होना चाहिए। जब कभी किसी इंसान की सिचुएशन बैड टाइम में बदलती है तो अपने आप ही कुछ ऐसा हो जाता है कि प्यार काफी मोहब्बत से सींचे हुए सारे रिश्ते एक ही झटके में टूट जाते हैं। शुरुआत तो उन लोगों ने की थी ना, गलती उन लोगों की है। ऐसा नहीं है,
परिस्थितियां अच्छे से अच्छे लोगों से गलत करवा देती हैं। धर्मराज युधिष्ठिर महान ज्ञानी थे, मगर जुआ खेलने की एक कमजोरी की वजह से खुद तो खुद भाइयों को दांव में लगा दिया और आखिर में अपनी बीवी को भी। रामायण में कैकेयी के सिर्फ एक बात की वजह से पूरे रामायण की कहानी बनी। हम लोग तो साधारण इंसान हैं, उनकी कला का सम्मान ना करके हमने गलत किया है। अभी हम उनके सामने नाटक दिखाकर ये साबित करेंगे कि हमारे मन में भी नाटकों के प्रति पूरी इज्जत है। हम कला का सम्मान करना जानते हैं, यह हम उनके सामने प्रूफ करेंगे। हम दिखा देंगे कि हमें नाटकों से प्यार है। लोग रिश्तों को सहेजने के लिए क्या क्या नहीं करते, अपना सब कुछ गंवा देते हैं। इस रिश्ते को अगर हमें बचाना है तो हमें उन लोगों की बातें माननी होंगी। वो हमसे खून तो नहीं करवाना चाहते, आफ्टर ऑल एक नाटक की ही तो बात है। अगर हम अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाए तो फिर हमें माँ बाप होने पर धिक्कार है। यही मेरी होने वाली बहू है, ये मैंने तय कर लिया है। इसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं तैयार हूँ। यस आई एम रेडी। मैं सिर्फ नाटक ही नहीं, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल सही बोला, हमारी ये फैमिली बहुत ही हाई टेक है, हम भी हाई टेक नाटक करेंगे। तैयारी शुरू करते हैं ससुर जी। मैं भी रेडी हूँ। ओके ओके, लेकिन नाटक के बारे में हमें कुछ नहीं पता तो करेंगे कैसे? हंसा तुम्हें ही कुछ करना होगा। बोलो बेटी क्या करना होगा हमें? वो अंकल, नाटक इतना आसान नहीं है, उसके लिए आप लोगों को एक गुरु चाहिए। अगर गुरु मिल गया तो आपसे मिलकर एक अच्छा नाटक कर सकते हैं। अरे तो फिर किसी गुरु को बुला लो, हम उससे सीख लेंगे। हाँ, नाटक। यस, 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 यस। मेरे कपड़े पर पैर रखता है। चल तबला पेटी से उठा कर ला। गुरुजी एक मिनट। क्या हुआ गुरुजी? हमारी गुरु भक्ति देखकर आप थक गए क्या? तुम लोगों ने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? एक नाटक के गुरु के साथ कोई ऐसा करता है? ओहो गुरुजी, आपको हमारा वेलकम पसंद नहीं आया? अरे आग लगा दो अपने वेलकम को। गुरुजी हमने आपका ट्रेडिशनल वेलकम किया था, आप भी गुरुजी। अरे वो बेवकूफ, नाटक के गुरु के सामने तू नौटंकी कर रहा, हारमोनियम को तू राग सिखाएगा? पीछे हटो, देखो मैं किसी भी चीज में कमजोर हो सकता हूँ, लेकिन जब रंग भूमि में आता हूँ तो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ। अब कल से तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, मगर उससे पहले किस किस के अंदर क्या क्या है ये तुम सबको दिखाना पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो चलो अब सब खोल कर दिखाओ। नाटक का मतलब खुला हुआ होना चाहिए, अंदर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अरे जब गुरु बोल दिया तो खोल खोल कर दिखाओ। हे भगवान, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। ये नाटक है या सिनेमा? नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। उठा तबला, निकालो गाड़ी और चलो गाड़ी में। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा मत कीजिए, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा ठीक है पीछे हटो, मैं भी यात्रा कर करके बहुत ज्यादा थक गया हूँ। आज एक दिन आराम करूंगा, कल सुबह उठते ही प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। तुम लोग तैयार रहना। क्या देख रहा है, चल हमारे साथ आराम करने। अरे ये कैसे अनाड़ी लोग हैं, इन लोगों को सिखाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। नाटक में तो गुरुजी कैरेक्टर दिखाकर डायलॉग सिखाते हैं सुना था, मगर ये गुरुजी तो उल्टी पुल्टी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। अरे आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं, जो भी ऐसे वैसे सीन होंगे ना वो मैं कर लूंगी। अरे क्या बोले समझ ही नहीं आया, ये क्या बात हुई, फुल ओपन रहना चाहिए। ऐसा नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। अरे वजह कुछ नहीं, वो क्या बोलना चाहते हैं ना मैं सब कुछ समझ गया हूँ। क्या कह रहे हैं? देखो तुम सबके बदले मैं सब कुछ खोल कर दिखाऊंगा, तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की आलतू फालतू बातें करके रंग भूमि की पवित्रता को बर्बाद किया उन शहर के लोगों ने। जिस मुंह से उन लोगों ने रंग भूमि के बारे में गलत बात की है, उन लोगों को परेशान कर करके यहाँ से नहीं भगाया तो मेरा नाम हनुमान प्रसाद नहीं,
अच्छा बताओ सबसे पहले कौन दिखाएगा? जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, सब लोगों के अंदर क्या क्या है वो खोल खोल कर दिखाना है। कौन दिखाएगा पहले? अरे क्या कर रहा है तू? आपने ही तो कहा था मास्टर जी, ड्रामा में फुल ओपन होता है, सब कुछ खोल खोल कर दिखाना होता है। चिंता मत कीजिए, पैंट भी खोल। अरे मैंने पैंट शर्ट खोलने की बात नहीं की, अंदर क्या है अंदर, मैंने वो दिखाने की बात की। अच्छा अब मैं समझा, ये लीजिए पर्स, ये लीजिए गॉगल्स। हे भगवान तू, अरे मेरा मतलब ये नहीं है, तुम्हारे अंदर में जो कला है, प्रतिभा है, उसे खोल कर दिखाने की बात की मैंने। ये सब छोड़ कर ये कपड़े उतारने लगा। अच्छा प्रतिभा, शुरू करो, दिखाओ दिखाओ, चलो। हाँ हाँ शुरू हो जाओ, देखते हैं तुम्हारे अंदर क्या है। जब से हम मिले हैं हम खुद में, तब से आरे अपार हो जाए नच बलिए सुन अच्छा मचा ले आरे अपार हो जाए नच बलिए सुन मचा मचा ले। अरे मेरी माँ, मुझे तो लगा था कि एक अच्छे कलाकार के जैसा तुम लोग करके दिखाओगे, लेकिन तुम लोग तो जाओ बैठो। नेक्स्ट कौन है? मेरे अलावा और कौन हो सकता है गुरुजी? सरला 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 ये बोला था और तुम तो डांस करने लगा। वाह 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 वाह, क्या जोड़ी थी, क्या गाना गाया तुम लोगों ने, दिल खुश हो गया। ए पिताजी, प्रभु आप देख रहे हो, ये दृश्य अगर आपकी आंखों के सामने आता तो आप बेहोश होकर जरूर मर जाते थे। अरे बेवकूफो, ये क्या कर रहे थे तुम लोग? स्कूल कॉलेज या मोहल्ले के किसी फंक्शन में कभी तुम लोगों ने नाटक नहीं किया? करने ही वाला था गुरुजी। क्या करने वाले थे, दिमाग खराब कर दिया तुमने। अच्छा तुम भी उठ गए, चलो चलो चलो, दिखाओ दिखाओ तुम्हारे अंदर कितनी प्रतिभा है। लव यू प्रियतम, मेरी जान हो तुम। हा हा हा, सुनने में कितना अच्छा लगा। प्रिय प्रियतम प्रिय प्रियतम प्रिय, अरे ये क्या प्रियतम प्रियतम प्रिय प्रिय लगा रखे हो? मास्टर जी को गुस्सा आ रहा है, कुछ तो कहो प्रिय। ऐसा है तो हम लोग शहर चले जाते हैं प्रियतम। और हम भी अपने गांव चले जाते हैं शिष्य, चलो। अब तुम ही कहो कुछ प्रियतम। दिमाग खराब हो रहा है प्रियतम, और मेरे दिमाग में गोबर भर गया है। हट जाओ सब लोग। अरे रे 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 रे। लाल चेहरे के बंदर लोग, तराजू पकड़कर व्यापार करने आए हो, अपनी गलती मानकर अगर सिर नहीं झुकाया तो यही सजा मिलेगी। तुम लोग आज ही भरोगे लगा। ये क्या है, मेरे बाप वो लाल चेहरे वाले अंग्रेज लोग अपना देश छोड़कर सालों पहले चले गए, और आप अभी भी देश छोड़ने की बात कर रहे हो, भागने की और मरने मारने की बात कर रहे हो। अरे यहाँ है कौन है? बस ये काला वाला मेरा शिष्य है, हमें भी जाने के लिए बोल दो, हम भी अपना बुरिया बिस्तर बांध दें। नहीं गुरुजी नहीं, प्लीज प्लीज। हाँ अरे वो कहाँ है अपना मेन कैरेक्टर? शाबाश, वाह वाह, क्या बात है शिष्य, इन लोगों की तारीफ करने के लिए और कोई शब्द है क्या? गुरुजी, हम लोगों को जो भी आता था हमने दिखा दिया, पता नहीं आपको पसंद आया कि नहीं, पर हम आपसे वादा करते हैं कि आप जो भी सिखाएंगे हम सीखेंगे। वो क्या मास्टर जी, हम लोग नकल करने में बहुत ही माहिर हैं, आप जैसा बताएंगे हम लोग बिल्कुल वैसा ही कर देंगे गुरुजी। चार दिन बहुत है हमारे लिए। कौन सा नाटक करना है वो जल्दी डिसाइड कर दीजिए गुरुजी। कैरेक्टर्स भी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। टाइम बहुत कम है गुरुजी, जल्दी से नाटक बिठा कर गाँव वालों को दिखा देंगे, फिर हम सब बेंगलुरु निकल जाएंगे। अभी तक तो LKG पास किए नहीं और सीधे MBBS पास करके डॉक्टर बनने की बात कर रहे हो तुम लोग। चेहरे पर रंग लगाकर, भेष बदलकर, स्टेज पर खड़ा होकर सिर्फ डायलॉग बोलना ही नाटक नहीं होता है मेरे भाई। नाटक का मतलब हंसाना है, हंसाना है, और हंसाते हंसाते रुलाना है।
समाज के चेहरे को आईना दिखाना ही नाटक है। टीवी में इंसान का छोटा रूप दिखता है और सिनेमा में इंसान का बड़ा रूप दिखता है, लेकिन नाटक में इंसान जैसा है वैसा ही दिखता है। तुम लोगों को अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है। सबसे पहले तुम लोग ये सीख लो कि एक्टिंग क्या चीज है, उसके बाद तुम्हारी योग्यता के आधार पर डिसाइड करूंगा कि नाटक में तुम्हारा पात्र क्या है। कल सुबह 5 बजे हमें प्रैक्टिस करनी है। क्यों बेटी, तुम सब लोग कल सुबह हाजिर हो जाना, समझ गए ना? मैं चलता हूँ। तुम लोगों के साथ रह रहकर मैं नाटक क्या होता है आधा भूल गया हूँ, और आधा भूलने से पहले किसे किसे क्या कैरेक्टर देना है ये बताकर मैं नाटक को खत्म कर देता हूँ। जो भी है जल्दी करिए मास्टर जी, नाटक करते करते हम अपनी रियल लाइफ भूलते जा रहे हैं। कौन सा नाटक आपने सिलेक्ट किया? महाभारत नाटक करेंगे हम लोग, कुरुक्षेत्र का युद्ध, कौरवों और पांडवों के आमने सामने वाला युद्ध, द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह का सामना करना पड़ेगा पांडवों को, और वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसकर युद्ध में उठा पटक करके वीर गति को प्राप्त करेगा। समझ गए तुम लोग? तो ये नाटक जो है वो वीर अभिमन्यु का नाटक है। मास्टर जी, अरे तो पीछे मुझे अर्जुन का पात्र दे दीजिए मास्टर जी। क्यों? श्री कृष्ण के साथ आउट ऑफ कवरेज एरिया में रहते हैं, एंट्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तूने एंट्री नहीं दिया तो एग्जिट हो जाएगा। मास्टर जी एंट्री दे दीजिए। ये सब बचपना छोड़ो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, समझ गए? और आप हो धर्मराज, हमेशा सच्चाई के लिए अपनी जान देते रहते, और साथ में आपको दुर्योधन भी बनना है, सांप के जैसा उसके अंदर हमेशा गुस्सा भरा रहता था, गुस्सा। ये दोनों पात्र आपको करने हैं। गुरुजी, धर्मराज का कैरेक्टर तो ठीक है, लेकिन ये दुर्योधन का कैरेक्टर देकर मेरे मामले में आपने कंट्रास्ट नहीं कर दिया है। देखिए भाई साहब, हमारे भव्य भारत देश में धर्मराज कौन है, दुर्योधन कौन है, बहुत से लोग भूल चुके हैं। अपने नाटक में हम उनके सही कैरेक्टर को दिखाएंगे। आप करोगे, दोनों पार्ट आप करोगे और आप कर भी लोगे। मेरी माँ आप होगी सुभद्रा, अर्जुन की बीवी, अभिमन्यु की माँ। बीच में क्यों रो रहा है, चल हट यहाँ से। गुरुजी, उस अर्जुन की मैं कैसे बीवी बनूंगी? मैं नहीं बनूंगी, मेरे पति को बुरा लगेगा। अरे रे 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 रे, कर्म 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 कर्म, ये तो सिर्फ नाटक है मेरी माँ। अर्जुन किसी को भी होने दो, बाद में उसी के साथ डुएट भी गाना है। जितना प्यार तुम अपने बेटे को करती हो उतना ही प्यार नाटक को भी करना पड़ेगा। हाँ, समझ गई? और तुम हो उत्तरा, वीर अभिमन्यु की अर्धांगनी। गुरुजी, आधे कपड़े पहन पहन कर मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे नाटक में कुछ पूरा पहने दीजिए ना। अरे रे, कर्म 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 कर्म, अर्धांगनी मींस वाइफ, अभिमन्यु की बीवी हो तुम। अरे बस करो बस करो बस करो, थोड़ा बचा कर रखो, नाटक में बहुत काम आएगा, समझी कि नहीं? अरे तुम यहाँ से अपना हाथ हटाओ, तुम बनोगे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य? द्रोणाचार्य, यस यस। अरे एक दूंगा ना, यस यस यस। अरे भाई मेरे, ये सब नहीं चलेगा, वो 60 साल का बूढ़ा आदमी है। बूढ़ा है? सिर्फ बूढ़ा नहीं, 60 साल का बूढ़ा है। द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु को मारने के लिए चक्रव्यूह बनाया था, समझे? तू क्यों हंस रहा है? तुम हो दानवीर कर्ण। थैंक यू वेरी मच मास्टर। अरे हाँ छोड़, थैंक यू क्या भाड़ में। देखो, भगवान के आदमी के ऊपर भूत चढ़ाकर पीछे से आकर अभिमन्यु का हाथ काट देना है तुम्हें, समझे? और तुम्हें सैंधवा का पात्र करना है, और तुम्हें दुशासन का पात्र करना है। क्या हम दोनों को मर्दों का रोल करना होगा? क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? अरे पहले भी तो मर्द औरतों का पात्र करते थे कि नहीं करते थे? अभी 50% औरतों के लिए रिजर्वेशन है, चांस मिला है तो दबा लो, कर लो। देखो नाटक कलाकार, इस नाटक में तुम ही मुख्य कलाकार हो, समझे? तुम्हारा पात्र वीर अभिमन्यु का है, रौद्र गुस्सा से लड़कर वीरता के साथ तुम्हें स्वर्ग में जाना है। वीर योद्धा स्वर्ग में ही जाते हैं। अरे तू क्या कर रहा है, बार बार ये कालिया बीच में घुसकर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और तुम सुनो हंसा, तुम पहले लक्ष्य को देखो और बात सीखो। सबको अपना कैरेक्टर ध्यान से याद रखना है, अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो मैं चुप नहीं रहूंगा। सबको स्क्रिप्ट दे दो।
चटाधारी केशधारी महामारी मृत्युंजय महाकाली जय काली महाकाली भयंग वाली चामुंडा महामुंडा महामुंडा आ गया आ गया। तुझे अपना देव समझ के क्या नहीं किया मैंने? तेरे पर बकरा मुर्गा सारी चीजों की बलि चढ़ाई। बता तूने क्या किया मेरे लिए? मेरे अंदर की भूख को समझ पाए हो क्या तुम? सिर्फ देव बनने से नहीं होता है। ए बवरिया, हमने आपके लिए कितना कुछ किया है, आपको क्या चाहिए ये बताइए। हम सब कुछ देंगे। आज तक आपने जो भी मांगा है हमने वो आपको दिया है। अब आपको मेरे बेटे की शादी करवानी होगी और आपको मेरे बेटे की शादी उस गांव की लड़की हंसा के साथ करवानी होगी। बवरिया, मैं जो मांग रहा हूँ वो मुझे दे दीजिए। आपको देना ही होगा बवरिया, देना ही होगा। दे दिया, दे दिया, दे दिया। उस घर की लड़की तेरे घर की बहू बनेगी, बनेगी, बनेगी। बवरिया, ये क्या बोल रहे हैं आप? बेंगलोर से एक लड़का आया है, वो दोनों आपस में प्यार करते हैं और उसके घर वाले नाटक करने के लिए सिटी से आए हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर समझ लीजिए कि उस लड़की की कहानी मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। क्यों चिंता करते हो? जब तक मैं हूँ यहाँ तुम्हारे सामने जो भी दिख रहा है वो झूठ है। बवरिया जो देखता है वो सत्य है। वो लड़की तुम्हारी बीवी बनेगी। वो लड़का गांव छोड़कर भाग जाएगा। सब हार जाएंगे, कोई भी छोड़ सकता है, लेकिन बबरिया साथ नहीं छोड़ेगा। आने वाली अमावस्या को चार पैरों का दो, दो पैरों का दो। तुम जो मांग रहे हो वो दे रहा हूँ इस बार, लेकिन याद रखो अगर मुझे मेरी चीज नहीं मिली तो भूल जाओ कि तुम्हारे ऊपर फिर से चढ़ावा चढ़ेगा। याद रखना मेरी बात। ये तो चक्रव्यूह की तरह है। दादाजी, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। यहाँ खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं है। चलिए ना दादाजी, वापस चलते हैं। मेरा बेटा बोर हो रहा है। देख बेटा, तू जरा एक बार सोच, बेंगलुरु में स्विमिंग करने के लिए छोटे छोटे स्विमिंग पूल्स होते हैं और यहाँ बिग रिवर है और बड़े बड़े तालाब हैं। बेंगलुरु में तुम्हें खेलने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती है, तुम्हें रोड पर खेलना पड़ता है। यहाँ देखो विशाल मैदान है, जितना मर्जी उतना खेलो। सही है ना? बेंगलुरु में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ट्रैफिक, पोल्यूशन, और यहाँ पर देखो माउंटेन, फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल नेचर एंड ब्यूटीफुल कल्चर। सही है ना? अब तुम ही बताओ, बेंगलुरु बेटर है या यहाँ बेटर है? यहाँ बेटर है, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है। आप लोग सिर्फ ड्रामा और डायलॉग बोलते हैं। ऐसा है बेटा, दरअसल तुम्हारे चाचा के लिए हम सबको नाटक करना है। अगर ये नाटक अच्छा हुआ तो चाचा की शादी होगी और तब हम सब मिलकर चाची को लेकर सब जगह ट्रिप पर जाएंगे और खूब मजे करेंगे। व्हाट डू यू से? प्रॉमिस? प्रॉमिस। आने दो, आने दो, भाव को आने दो, आने दो भाव, आने दो, आने दो भाव। मास्टर जी, क्यों आ गया? अरे इसे किसने बुलाया? इसे हटाओ भाई यहाँ से। अरे कालिये देख क्या रहा है, भगा इसे। ए भाई साहब, चेहरे पर चिंता दिखनी चाहिए। अच्छा, दिल के अंदर जो दर्द है वो दिखना चाहिए। चक्रव्यूह कैसे टूटेगा? अर्जुन और कृष्ण युद्ध कर रहे हैं। दुख से बोलना होगा, चिंता से बोलना होगा। यमनंदन? अरे मेरे बाप, यमनंदन नहीं, यदुनंदन है। यदुनंदन है कृष्ण। ओह सॉरी सॉरी। अंदर से दबा दबा कर निकालो। हाँ दबाओ, दबाओ और दबाओ और निकालो। और ज्यादा दबाऊंगा तो उल्टी हो जाएगी। अरे सिर्फ उल्टी नहीं, उसके साथ जुलाब भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन करो करो। ठीक है। ओ यम, ओ यदुनंदन, ओ गुंडू अर्जुन। अरे मर जाऊंगा मैं। अरे मेरे बाप, अगर ये शब्द किसी बाहर वाले ने सुन लिया तो वो मुझे गोली मार देगा। अरे तू चुप हो जा। और ये क्या चेहरे पर भाव बना कर रखे हो? लगता है तुम लोगों का किसी ने किडनैप कर लिया है। रोबोट, रोबोट के जैसा दिख रहे हो। अरे भाई फील करो, फील करो, तब जाके अंदर से बाहर निकलेगा। अरे करो करो, क्या कर रहे हो? कम ऑन डैड, कम ऑन, कम ऑन। ओ ब्लडी शिट, बिल्कुल ऐसे ऐसे। ओ यदुनंदन, ओ गांडीव अर्जुन, शेयर्स गिर गए हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी घट गई है, कंपनी डूबती जा रही है। अरे ओ मैनेजर, कहाँ मरे पड़े हो? कम ऑन। अरे अरे अरे, अरे इसे क्यों मार रहे हो? आओ मुझे मारो, मेरे सर पर मारो। अरे ये नाटक है, तुम्हारी कंपनी नहीं। अरे अभिमन्यु,
प्रणाम। तुम्हारे शरीर में बस पूंछ की कमी है, मुझे लगता है तुम्हें ले जाकर सर्कस में छोड़ देना चाहिए। दांत दिखाकर हंसना और पलटी मारना, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता है। अरे तू चुप हो जा, चलो चलो डायलॉग बोलो, डायलॉग बोलो। अरे तू चुप। पापा। तू पापा नहीं, वो बड़े पापा हैं। बड़े पापा चक्रव्यूह तो मैं तोड़ूंगा, जो जो जहाँ जहाँ दिखेगा मैं उसके टुकड़े 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 कर दूंगा। बताओ बताओ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा वो हरी? इस खम्बे में है, उस खम्बे में है, उस खम्बे में है, किस खम्बे में है? अरे ओ मूर्ख पागल, अरे हिरण्यकश्यप कहाँ है, कौरव कहाँ है? अरे खम्बा से उतर कर नीचे आ जा, कुरुक्षेत्र में आ जा, कुरुक्षेत्र में। आप चिंता मत करो, चक्रव्यूह तो मैं ही तोड़ूंगा। अभिमन्यु कुमार, चक्रव्यूह को तुमने क्या समझ रखा है? वो तो बड़े बड़े सर्पों का एक मृत्यु जाल है, उसकी रखवाली के लिए महान महान बड़े बड़े योद्धा हैं। शाबाश। कौन कौन है पिताजी? कौरों की सेना में दुर्योधन है और साथ ही कर्ण है। अरे वाह, और भीम भी तो है। अरे रे 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 रे, अरे भाई भीम को कौरवों के साथ क्यों शामिल कर रहे हो? भीम तुम्हारा भाई है, वो वहाँ क्यों मरने जाएगा? रावण है, राम है। अरे मैं पागल हो जाऊंगा, राम और रावण के साथ दोस्ती करके तुम लोग पांडवों को बर्बाद कर दोगे। अरे भाई राम और रावण महाभारत में कहां से आ गए? हाँ बोलो बोलो बोलो। दर्शन है, दर्शन है, उपेंद्र है, उपेंद्र है, अक्षय कुमार है। गुरुजी आप मजाक कर रहे हैं? हाँ मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मैं क्या यहाँ मजाक करने आया हूँ? अरे उठा तबला और बांधो हारमोनियम, अभी मैं वापस नहीं लौटूंगा, अभी मैं आगे जाकर वापस लौटा। अंकल वो देखो, देखो बेटी, इन लोगों को नाटक सिखाने के चक्कर में मेरा नस फट रहा है, उस देर रुका तो मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज बेटी मुझे चलकर बस में बैठा दो। सॉरी, इन लोगों को ना बस स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, आई प्रॉमिस बाद में सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा, खाक ठीक हो जाएगा क्या? कोई गैस प्रॉब्लम है? अरे यहाँ किसी एक को भी ठीक से डायलॉग बोलना नहीं आता है। इन्हें स्टेज पर चढ़ाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। रस नहीं पता, भाव नहीं पता, एक्टिंग तो एकदम नहीं जानते। इन्हें देखो, इस इंसान को देखो, कैसे लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मशीन हो, ऑन किया तो चालू हो गया, ऑफ किया तो बंद हो गए। अरे ऐसे इंसान को मैं कैसे नाटक सिखाऊंगा? और ये पुण्य आत्मा है, भाव और भावना के बीच में क्या अंतर है इन्हें नहीं पता। भाव के बारे में बात करो तो ये दौड़ने लगता है, अगर इसकी पूरी चमड़ी भी निकाल दो तो भी ये एक्टिंग का ABCD नहीं सीख पाएगा। और ये है बड़ा वाला पुण्य आत्मा, इसे पलटी मारने के अलावा कुछ नहीं आता है। बात करने को बोलो तो पैप 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 करने लगता है। और इन औरतों को देखो, नाचने को बोलो तो गाना गाती है, और जब गाने को बोलो तो नाचने लगती है। और ये बच्चे लोग, जब इन्हें गाने को बोलो तो जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे अपने नाटक के इतिहास में इतनी बकवास टीम मैंने कभी नहीं देखी। सॉरी अंकल, प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने पहले कभी नाटक नहीं किया है, ये इनका फर्स्ट टाइम है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। प्लीज अंकल एक चांस दीजिए ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ, मेरा भेजा फ्राई हो गया है। सब लोग सुनो, कल सुबह प्रैक्टिस है, किसी ने भी कोई गड़बड़ की तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, चला जाऊंगा। कोई भी रोके मैं नहीं रुकूंगा। फिर करते रहना तुम लोग नाटक, क्यों हंस रहे हो? चल, इन लोगों को नाटक सिखाने से अच्छा होता मैं किसी स्कूल में टीचर बन जाता। अपमान है ये, अपमान है ये। हे राज, तू बस एक बार परमिशन दे दे, उस मास्टर का सर काट के तबले में डाल दूंगा, बॉडी को पीस पीस काट के हार्मोनियम में डाल दूंगा और जेल चला जाऊंगा मैं। जीजा, मेरी लाइफ सेव करने के चक्कर में मेरी बहन की लाइफ बर्बाद मत कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। सही कहा तूने। जीजा आप कूल रहिए, आपके पैक ज्यादा हो गए हैं, आप कृपया कला की हत्या मत कीजिए, प्लीज प्लीज। ले 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 ले। देखो फर्स्ट नाइट को सिंगल नाइट बनाना है, ऐसी पार्टी सबको मिलकर मनानी चाहिए। तुम लोग मुझे छोड़कर पार्टी कर रहे हो, तुम्हें पाप लगेगा। पीते समय ऐसे खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा नशा उतर जाएगा। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। सामने बैठ सकता हूँ? बैठो बैठो। अरे वाह, क्या पी रहे हो तुम लोग? स्कॉच? तभी तुम लोग चमेली के फूल के जैसा गम गम महक रहे हो। गुरुजी से शिष्य को नहीं कहना चाहिए, फिर भी कह रहा हूँ थोड़ा सा लेंगे क्या? क्या कहा? थोड़ा सा लेंगे क्या? अरे मैं पूरी बोतल पीकर स्विमिंग कर सकता हूँ, तुम्हें नहीं पता? जब मैंने पीना शुरू किया तो मुझे देखकर इस शहर के सारे लोग पीने लगे। अरे बस, अरे बस, ये बस, क्या? बस इतना ही? एक काम कर, इसे मेरे कान में डाल दे। अरे समुद्र में एक चम्मच नमक डालेगा तो क्या पता चलेगा? डालो डालो डालो। और थोड़ा और थोड़ा। बगलादीश्वरा बगलादीश्वरा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम लोग भी पियो। मास्टर जी, वाह 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 मास्टर। इस वक्त मैं नाटक का मास्टर नहीं हूँ, दारू का मास्टर हूँ, और इस वक्त हम लोग फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स। ए बेवकूफ मास्टर, बोलो 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 बोलो। यहाँ हम लोग पीने के लिए बैठे हैं, गौड़ा को मत बताना। रात को पीने के बाद मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि भूल जाता हूँ। अगर तुम लोग मेरे ऊपर बड़ा सा पत्थर मारोगे तो भी मुझे सुबह याद नहीं रहेगा। आपके बाप की कसम, आपको कुछ याद नहीं रहता? तेरे बाप की कसम, इसके बाप की कसम, उसके बाप की कसम, मुझे कुछ याद नहीं रहता। पिचकारी
मास्टर जी, इसे पढ़कर बताइए। PSYCHO पिस्को चार अक्षर इंग्लिश पढ़ नहीं पाता है और हम लोग को इतने बड़े बड़े डायलॉग देता है, तू कैसे बोलेंगे कैसे बोलेंगे? मास्टर इसमें क्या लिखा जरा पढ़िए। मारोगे तो नहीं ना? नहीं 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 एस वाई सी एच ओ पी को। भैया भैया जी जा, पिचका गुरुजी क्या लिखा पढ़ो। नहीं 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 पढ़ना पड़ेगा। अरे लास्ट लास्ट एक है पी एस वाई सी एच ओ वाई को। वाई को नहीं है, साइको 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 मास्टर। रात को किस जहरीले कीड़े ने काटा पता ही नहीं। सब लोग ठीक से करना हाँ, ऑल द बेस्ट। ये क्या है बेटी, गुरुजी ने लिपस्टिक गाल पर क्यों लगाई है? उसके चेहरे को क्या हुआ है? सब भूल गया लगता है मास्टर। अंकल आपके गाल में कुछ लगा हुआ है। वह क्या है? रात को सोते समय मुझे मधुमक्खी ने काट लिया। अरे तू चुप बे। हाँ शुरू करो शुरू करो। यस पापा। तू बड़े पापा। मैं अभी बालक हूँ पर मैं शौर्य में। बोलो बेटा। शौर्य में। एक मिनट हाँ। हे बी कॉन्फिडेंट, सब डायलॉग आता है ना, कम ऑन बोलो। अब बोलेगा बोलेगा। बड़े पापा मैं अभी आगे बोल। बालक हूँ। मेरे शौर्य को मेरे शौर्य को तेरे शौर्य को भी कीड़े ने काट लिया। चलो मेरे साथ। करूं। क्या हुआ है तुम्हें? मेरे सामने ठीक डायलॉग बोलते हो, इनके सामने क्या हो जाता है तुम्हें? साक्षी वो मैं। प्लीज राज, हमारे पास सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं। मैं जानता हूँ साक्षी, मुझे सब डायलॉग याद है मगर गुरुजी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखते हैं तो मुझे डर लगने लगता है। डर लग जाता है? अगले 50 साल तक तुम्हारी जीवन साथी बनूंगी ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया है। उसके लिए मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तुम रेडी हो क्या ये सोच लेना। बड़े पापा, नाग की चिंगारी छोटी ही होती है मगर एक बड़े विशाल जंगल को पल भर में भस्म करने के लिए पर्याप्त होती है। परम शिव को अपने ध्यान से जीतकर त्रिलोक का वीर अर्जुन का बेटा होकर उस चक्रव्यूह के डर से अगर युद्ध से पीछे हट गया तो वीर माता के गर्भ से जन्म लेने का लक्ष्य व्यर्थ हो जाएगा। मैं बालक हूँ ये सोचकर आप परेशान मत होइए, मुझे आज्ञा दीजिए। पर्दे के पीछे ऐसा क्या हो गया? क्या बात है? ब्यूटीफुल। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि इसके पीछे हो क्या रहा है। तेरे युद्ध के पराक्रम को देखकर मेरा मन प्रफुल्ल हो गया है। अच्छा अच्छा लगा कुमार, सिंह के पंजे की ताकत तुम्हारे अंदर नजर आ रही है। कौरवों की सेना का विनाश करने के लिए पैदा हुए एक ज्वालामुखी हो तुम। जाओ बालक, चक्रव्यूह को तोड़कर शत्रु की सेना को तबाह करने की शक्ति तुम में है। भला भला कुमार। जाओ कुमार और विजय भव। जाओ कुमार, तुम्हारा मंगल हो। अरे वाह ये तो कमाल हो गया, इन लोगों ने कर दिखाया। अपने फर्स्ट नाइट के लिए हम यहीं पर सेट बनाएंगे। यहाँ सेट बनाने के लिए पहले हमारी शादी तय होनी चाहिए और उससे भी पहले तुम्हें तुम्हारे डायलॉग्स याद करने होंगे। मास्टर ने तो छोड़ दिया लेकिन मैडम नहीं छोड़ रही है। समर भूमि को सरस भूमि समझा है क्या बेटा? सामान्य लोगों को समर भूमि सरस भूमि जैसे ही मगर आगे बोलो। मगर मेरे जैसे चक्रियों को वो चक्रिया नहीं क्षत्रिय है। मेरे जैसे क्षत्रियों को एक बार प्रवाह हुआ तो वो प्रवाह नहीं है प्रहार है। डरती क्यों हो, पसीना क्यों निकल रहा है?
आगे बढ़ो। मैं कौन हूँ, मुझ पे निशाना लगाओ और अपनी आंखों से मेरा वध कर दो। तुम सब गलत बोल रहे हो, तुम्हें तुम्हारे डायलॉग्स याद नहीं है। मैं सही कह रहा था डार्लिंग, तुम्हें मुझ पर इस तरह से शक नहीं करना चाहिए। बालक हूँ तो चिंता मत करो, बस आज्ञा दे दो। मिस्टर प्रियतमा, नाटक के डायलॉग्स प्रैक्टिस करने आए हो या फिर रोमांस करने आए हो यहाँ? हाँ प्रियतमा, तुमने बस एक किस दी तो पूरे एक पेज का डायलॉग बोलकर सबको चकित कर दिया था। अब ऐसे ही रोमांस करते करते, डायलॉग मारते मारते, रोमांस करते करते, सब करोगे लेकिन नाटक नहीं करोगे, बदमाश कहीं के। वो एक सुपर आइडिया है, तुम्हारे पिताजी बिना कुछ कहे बिना शादी करवा देंगे। अरे पुराने जमाने का नाटक, ये शास्त्रीय संगीत, इतना बड़ा बड़ा डायलॉग इतना कौन याद रखेगा बताओ। हे, तुमने तो उस डायरी में इतने बड़े बड़े डायलॉग्स लिखे थे और इतने छोटे डायलॉग्स भी नहीं बोल पा रहे हो तुम, ये तो तुम्हें चुटकियों में बोल देने चाहिए। क्यों, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो राज? हेलो, कुछ तो बोलो। ओहो, तो आपको सिर्फ लिखना आता है, बोलना नहीं आता? ओके, I'm sorry, बुरा लगा क्या? सॉरी, एक बात बोलूं, मुझे तुम्हारे बोलने से अच्छा तुम्हारा लिखना अच्छा लगता है। सॉरी तो तुमसे मुझे कहना चाहिए। सॉरी क्यों? बहुत दिनों से एक बात दिल में छुपा कर रखी है, तुम्हें ये बात बताऊं या ना बताऊं यही तय नहीं कर पा रहा, पर छुपी हुई बातें ज्यादा दिनों तक दिल में नहीं रह पाती हैं साक्षी। वो डायरी मैंने नहीं लिखी है, जिसने लिखा है वो अब जिंदा नहीं है। उस दिन मैंने तुम्हें डायरी दी थी, उस दिन मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं था। अगर प्यार होता तो डायरी देकर तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। उस दिन तुम्हारे साथ सिर्फ कॉफी पीने की ही मेरी जिद थी। कॉफी कॉफी कहकर दिन रात मेरे पीछे पड़े रहे और मेरी फीलिंग्स के साथ धोखा किया। तसल्ली मिल गई ना तुम्हें मुझे अपने झूठे प्यार में फंसा के? तुमने मुझे प्यार में फंसाने के लिए क्या किया है, कॉफी पिलाने के लिए क्या किया है, तुम्हें ये बात पता है ना? एक लड़की अगर उसका प्रेमी उसे झूठ कहे तो क्या उसे माफ कर सकती है? लेकिन अगर वो प्यार ही झूठ हुआ तो? साक्षी, मेरी बात झूठ हो सकती है लेकिन मेरा प्यार झूठ नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शहर छोड़कर हम इस जंगल में वनवास काट रहे हैं, मेरे माँ बाप यहाँ आकर तुम्हारे पिता का सम्मान रख रहे हैं, हम सब नाटक कर रहे हैं तुम्हारे लिए ना साक्षी। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे लिए सिर्फ वो सिली डायरी इंपॉर्टेंट रह गई है। सिली? क्या कहा तुमने? सिली कहा? मेरे दिल को इतनी ठेस पहुंची है और तुम्हारे लिए ये सिली मैटर है? साक्षी वो प्यार में भरोसा जरूरी होता है, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन तुमने आज तक प्यार भरोसा त्याग के बारे में जो कुछ भी कहा सब झूठ है, तुमने मुझे धोखा दिया है। साक्षी बस, किसी दूसरे की डायरी को अपनी बताकर तुमने अपने आप को तो धोखा दिया ही है राज, और साथ ही मुझे भी धोखा दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। साक्षी समझने की कोशिश कर, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। साक्षी, साक्षी, I hate you. ए बबरिया, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? याद है तूने पिछली बार क्या कहा था कि वो साक्षी मेरे जीवन में आके ही रहेगी? अब बता कैसे आएगी मेरे जीवन में, बता कैसे आएगी? अरे वो बबरिया मेरे अंदर नहीं है, बकरा मुर्गा तो वही खा लेता है, मेरा तो आज व्रत है, उपवास है मेरा तो आज। वो साक्षी मुझे मिलेगी ऐसा सोच के क्या नहीं किया मैंने, बकरा दिया मुर्गा दिया, तुझे पैदल चलने में परेशानी ना हो इसलिए तुझे बाइक दिलवा दी, और तूने क्या किया?
वहाँ कल नाटक होने वाला है और नाटक हुआ तो मेरा खेल खत्म। वो कैसे मिलेगी मुझे? बबरिया तेरी जुबान फेल हो गई। याद है मैंने क्या कहा था? तुझे भूखा मार के इस गांव से भगा दूंगा। कल सुबह सूरज उगने से पहले भाग जा यहाँ से। ये काम बबरिया से नहीं होगा, उसके लिए बहुत ताकत चाहिए। वो नाटक का स्टेज ही मेरा युद्ध रण है। कर्ण महाबली कर्ण हुआ। कल नाटक है, मैं ये नाटक किसके लिए कर रहा हूँ? मेरे लिए, अपने पिता के लिए या फिर अपने घर वालों के लिए? मैं धोखेबाज हूँ ये जानकर मेरे यहाँ से जाने का इसी तरह खामोशी से इंतजार करोगी? इस छोटी सी लाइफ की जर्नी में दो सच का पता चल गया साक्षी। रंग लगाए बिना नाटक करोगे तो धोखेबाज ही कहलाओगे और अपना प्यार भी खुद से नफरत करने लगेगा। वही रंग लगाकर नाटक करोगे तो कलाकार कहलाओगे और लोग तुम्हें प्यार करेंगे। जिंदगी का जो दिखावा होता है ना, वो शायद यही है। कल तुम नाटक देखने आओगी ना? लाइफ का नाटक देखकर तो तुम बहुत रोई होगी। कल स्टेज में चलने वाला नाटक देखकर वंस मोर बोलकर ताली बजाओ और अपना गुस्सा निकाल लो। तुम मेरी जिंदगी में बदलाव लाने वाली अभिनेत्री हो साक्षी, तुम्हें आना ही होगा, प्लीज। पिया हुआ दूध सुभद्रा वीर माता का है। उस दूध में कुरुक्षेत्र में सैन्य को संहार करने की शक्ति है। जाने दो मुझे माते, मुझे जाने दो। रणभूमि में आ गया है वीर सच्चा, जाना होगा यहाँ से तुम्हें। आज तुम्हारे सामने कर्ण देने आया है चेतावनी। अब तक तुमने युद्ध किया केवल बालकों के साथ, पर आज रणभूमि में तुम्हारा सामना होगा एक सच्चे योद्धा के साथ। अभिमन्यु भला भला सांप के जैसे चमक रहे हो आज तुम वीर कुंवर। शाश्वत ज्योति प्रकाश के जैसे चमक रहे हो परम वीर। इन लोगों के सामने तू टिक नहीं पाएगा, चल जाओ यहाँ से, भाग जाओ वीर कुंवर। बस करो तुम्हारी बातों का भाषण, दिखाओ तुम लोगों के शौर्य का रूप। छाती खोल कर दिखाऊंगा अपना स्वरूप। अस्त्र पकड़ो, शस्त्र की बारिश होगी। एक ही पल में तुम लोगों का मैं सर्वनाश कर दूंगा। आचार्य जी, अभिमन्यु को अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये हमारी सेना को समाप्त कर देगा। हाँ, उसका पीछे से वार करके वध करना होगा। ये युद्ध के विरुद्ध है, ये मुझे स्वीकार नहीं। आचार्य जी, हाँ, मैं पीछे से वार करके उसका हाथ काट दूंगा। उसके घोड़े और रथ को यहाँ से हटा दीजिए, मैं वार करने जा रहा हूँ। Hahahaha
महाबली कर्ण साक्षी, मेरी बात झूठी होगी लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। नाटक हमारे परिवार के लिए रतन ज्योति के जैसा है, उसे जलाकर रखना ये हमारी रीति रिवाज है। अरे यहाँ किसी एक को भी ठीक से डायलॉग बोलना नहीं आता है। उत्तरा, उत्तरा। नाटकों में इंसान को इंसान के जैसे ही दिखाते हैं, ये गुरु जी ने कहा था। ये बात अब समझ में आ रही है। नाटक हमें क्या सिखाते हैं, ये बात आज हमारी समझ में आई है और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बात नहीं है, शहर वाले होकर भी आपने नाटक किया। शहर वालों के बारे में जो हमारी धारणा थी वो गलत साबित हुई। आप शहर में रहते हो लेकिन जड़ तो गांव में ही है। जड़ मजबूत रहे तो पेड़ हरा भरा रहता है और वो जिंदगी की सांसें बन सकता है। अरे वाह वाह वाह, बात तो आपने सही कही। हमें हमेशा हंस के जैसा करना चाहिए, अच्छाई को पकड़ना चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए। इस राजहंस की शादी के लिए हमने बहुत ज्यादा तकलीफ उठाई लेकिन जो भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। अब देरी क्यों कर रहे हो भाई, जल्दी से बदली करो। वाह 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 वाह, गांव वालों के लिए आपने कितना सुंदर नाटक का मंचन किया, इसीलिए ये एंगेजमेंट हुई है। और अब शादी करने के लिए यक्षगान गाना होगा। यक्षगान।